कहते हैं कि हर कहानी का एक पहलू होता है, उसकी एक मंजिल होती है, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए कहानी तो शुरू करनी होगी। चलिए हम कहानी इसी घर से शुरू करते हैं। तुम्हारी वजह से लेट हो गया मैं। चल रही हूँ, चिल्ला क्यों रही हूँ? अब बस चुप रहो तुम। जिंदगी खराब हो गई उसकी। अरे इतनी जोर से क्यों हंस रहे हो तुम? कहूं लोगों ने सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। सुनिए जी, एक घंटे से लगातार रो रहा है। उन्होंने इसे रोते देख लिया तो हमें किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। इसे लेके बाहर जाइए ना। रोते नहीं बेटा, चलो बाहर चलते हैं। चल चल। कब से सिर में खजली हो रही है, खो जाने की सोच रहा हूँ लेकिन कैसे खो जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओम गजाननम भूतगणा। और ये हैं इस घर के मुखिया, जिन्होंने छोटी बड़ी हर चीज को कंट्रोल कर रखा है। इनका नाम है राम सिंह, रिटायर्ड हेडमास्टर। सबका ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ होता है, पर इनका ब्लड ग्रुप है डबल ए। ए का मतलब यहाँ है अनुशासन। राम सिंह जी का जिंदगी में सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है हर सोसाइटी का आदमी उनकी फैमिली की बड़ाई करे। इसलिए उन्होंने अपने परिवार के लिए एक संविधान बनाया है, उनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। राम सिंह जी से उनकी फैमिली बहुत डरती है। यहाँ कोई सौ गलती करेगा तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। राम सिंह जी को जो पसंद नहीं है वो गलत ही होता है। एक डॉक्टर की तरह राम सिंह जी अपने परिवार का इलाज करते रहते हैं। घर में अगर टीवी है तो उसमें डिश नहीं होगा, अगर न्यूज़पेपर आएगा तो उसमें फिल्मों का पन्ना नहीं होगा। इनका नाम है सीता, राम सिंह जी की पत्नी। अब तक ये 13 गलती कर चुकी है और खाने में सिर्फ ये एक सब्जी बनाती है और वो है बैगन की सब्जी। राम सिंह जी को बिना बताए चुपचाप जाकर पड़ोसी के यहाँ टीवी और सीरियल भी देखती हैं। यही इनकी एक छोटी सी वीकनेस है। मुझसे क्या गलती हो गई जो इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? और ये हैं राम सिंह जी की बेटी कस्तूरी, हाउसवाइफ है। इनकी गलतियाँ 16 हो चुकी हैं। साफ सफाई की दीवानी है, जो भी दिखे घिस घिस कर साफ करना इनकी आदत बन चुकी है। इनका नाम है आनंद, कस्तूरी के हस्बैंड। इनकी गलतियां 9 हो चुकी हैं। राम सिंह जी से इतना डरते हैं कि उनके सामने गूंगे बने खड़े रहते हैं। वैसे ये एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर हैं। ये है निखिल, राम सिंह जी का बड़ा नाती। इसकी गलतियां हैं 0। जी सही सुना, 0। इसकी कोई गलती नहीं है राम सिंह जी की नजरों में, लेकिन काम रोज मार खाने वाला करता है। पर कोई कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि राम सिंह जी से बहुत प्यार करते हैं। ये छोटा नवासा है, अब तक नामकरण भी नहीं हुआ है और इसकी गलती है 1। राम सिंह जी ने जब इसे गोद में लिया तो इसने सूसू कर दी। होश में आने से पहले ही इस बच्चे का अकाउंट खुल चुका है। इनका नाम है बजरंगी, राम सिंह जी का बड़ा बेटा। इसकी गलतियां 11 हो चुकी हैं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये अपनी शादी के लिए पागल है। राम सिंह जी इसके लिए न जाने कैसी लड़की ढूंढ रहे हैं और इसी चक्कर में इसकी उम्र 30 पार कर चुकी है। आज इसकी सगाई होने वाली है, इसलिए ये कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। ओम नारायणाय नमः। सुनिए जी, जयमाला कहाँ है, जरा जल्दी मंगवाइए। आगे सुनिए, यह है राम सिंह जी का छोटा बेटा, नाम है संदीप। इसकी हरकतें देखकर लगता है जैसे ये गुंडागर्दी करता हो। ये क्या करता है क्या नहीं, 10 मिनट पीछे जाएंगे तो इसका कैरेक्टर क्या है सब आपकी समझ में आ जाएगा। भाई जल्दी करो ना, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। बस 2 मिनट और दीजिए, बन जाएगा। ए, रुक, कहां भाग रहे, छोड़ेंगे नहीं तुझे आज, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। रोक, 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 भागता कहाँ है? ये क्या, एक आदमी के पीछे इतने लोग? मुझे नहीं पता है पर ऐसा लगता है कि आज ये मरेगा जरूर बाबू। तो आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं, चलिए उसकी हेल्प करते हैं।
मुझे इस फालतू के झगड़े में नहीं पड़ना है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई, हम इंसान हैं और इंसानियत के नाते हमें उस आदमी की मदद करनी चाहिए। चलिए मेरे साथ। बाबू, इस जंगल राज में इंसानियत काम नहीं आती है। मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। ये लीजिए अपनी फूल माला। बुज़दिल हैं आप। रुक रुक, बचेगा नहीं तू। मारो। अरे अरे अरे, रुक जाइए भाई, वरना इस तरह ये मर जाएगा। छोड़ दीजिए इसे प्लीज। अपने काम से काम रख भाई। जो कह रहा हूँ वो चुपचाप सुन ले। इस तरह इसे मारेगा तो ये मर जाएगा। इंसानियत के नाते कह रहा हूँ, सुन ले। जाने दे इसे, जाने दे इसे, जाने दे इसे। सुन बे, यही डायलॉग फिल्म का हीरो बोलता तो जमता, तुझ पर सूट नहीं करता। निकल ले यहां से। भाई, अरे क्यों मार रहे हो इसको? आखिर बात क्या है, बताओ ना। मैं इसे मार रहा हूं तो तुझे दर्द क्यों हो रहा है? ये कोई तेरा रिश्तेदार है क्या? ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा भाई है। ये तू इधर आ, ये मेरा सगा भाई है। भाई, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? हमारा चेहरा देखिए, एकदम सेम टू सेम है ना। जेरॉक्स में भी कॉपी इतनी सेम टू सेम नहीं आती है। कंफर्म हो गया, तू इसका भाई है। अरे खून का रिश्ता है ना भाई। वैसे हम लोग इसको क्यों मार रहे थे तू जानता है? अपने भाई का पता नहीं बता रहा था। अच्छा हुआ खुद ही आ गया। फोन पर आईपीएल में पैसा लगाया था, पैसे देने का वक्त आया तो भाग गया। ये बात पहले नहीं बता सकता था। कब से इशारा तो कर रहा था, यहाँ से भागकर अपनी जान बचा लो। पकड़ो उस लड़के को। संधि जी, शादी में मिलते हैं। बाय 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 बाय। सॉरी 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 सॉरी। इतनी देर से कहां था? माँ ने फूलमाला लाने बोला था, वही मार्केट लेने गया था। वो फूलमाला कहां है? थैली में ही है पिताजी। अरे किससे झगड़ा करके आया है? बात यह है पिताजी, एक आदमी को बहुत लोग मिलकर मार रहे थे, उसकी कोई हेल्प ही नहीं कर रहा था, इसलिए। ओहो, तो तुम चले गए उसकी हेल्प करने? वो क्या है ना, मुंह बंद कर। कितनी बार समझाया तुझको कि दूसरों के झगड़े में टांग मत अड़ाया कर। किसी के साथ कुछ भी हो उससे तुझे क्या? तू यहां का समाज सेवक है क्या? नहीं ना, सारी दुनिया में अगर बेकार लोगों की लिस्ट निकलवाएंगे तो सबसे पहला नाम तेरा ही निकलेगा। तेरी वजह से पूरे परिवार का नाम खराब हो रहा है। तू यहां पैदा क्यों हुआ? छी! देख उसे, उससे सीख ले। उम्र में तू उससे कितना छोटा है, आज तक एक छोटी भी गलती नहीं की इसने। तुम्हारी गलतियों की गिनती कहां तक पहुंची जानते हो? अगर एक और गलती की तो उसी वक्त तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगा और जिंदगी भर तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। छे! और सब लोग कान खोल कर सुन लो, आज के बाद संदीप से यहां कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल इसको घर से जाना होगा। उसके लिए यहां कोई दुखी नहीं होगा। बेटे को खोने का गम बर्दाश्त कर सकता हूं,
लेकिन अनुशासन टूटे ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सुन, इधर आ, मेरे गले में डाल दे। नहीं भैया। गले में डाल बोला ना, अभी से फांसी लगाकर मरूं क्या? ये क्या कह रहे हो भैया? तू अभी मेरी शादी नहीं होने देगा क्या? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? एक तो इतनी मुश्किल से मेरी सगाई होने जा रही थी और तू सगाई के एक घंटे के बाद माला लेकर आया है। सब तो कितना बुरा लगा जानता है तू? सॉरी, मुझसे बात मत कर तू। मेरी बात तो सुन ना। भैया जी बिल्कुल सही कहते हैं। ये बैग किस लिए लेके आया? मेरा लगेज है मामा जी। वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरे रूम में क्यों लेकर आया? मामा जी, क्रिकेट मैच में अगर कोई 100 रन बनाता है तो लोग तालियां बजाते हैं, वहीं 100 रन आप यहाँ बनाओगे तो घर से निकाल देंगे। मुझे आप पे पूरा भरोसा है मामा जी, सक्सेसफुली आप 100 गलतियाँ कर लोगे, इसलिए मैं ये रूम पहले से बुक कर रहा हूँ। मतलब मुझे घर से निकाल देंगे, ये तूने फिक्स कर लिया है? फिक्स नहीं होता तो ये लगेज लेके यहाँ क्यों आता? आपको एक राज की बात बताऊँ, यहाँ से मेरी गर्लफ्रेंड भी अच्छे से दिखाई देती है, क्योंकि तुम ही हो, बस तुम ही हो। हाय बेबी। हाय। अरे बाप रे, ये क्या है? रोज तो चाय देता था, आज हॉर्लिक्स क्यों दे रहा है? साहब जी, मैटर अभी पता चला मुझे, 99 गलतियां हो चुकी है। आपको जो पसंद है अभी खा लीजिए और पी लीजिए। अगर घर छोड़कर जाना पड़ा तो ये सारी चीजें खरीद कर खाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा साहब जी। अंकल डोनेशन दीजिए। किस चीज का डोनेशन? ये से पता नहीं कहाँ से चले आते हैं भिखारी कहीं के। आइसक्रीम खाना है? जाओ जाकर ले लो, जाओ। माँ क्या बना रही हो? बहुत भूख लगी है माँ। माँ, माँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। माँ क्या हुआ तुम्हें? तू हमें छोड़कर दूर चला जाएगा, यही सोचकर दिल घबरा रहा है। माँ अब ये रोना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं होने वाला, मैं सब समझती हूँ। संभल कर रहना बेटा, संभल कर रहना। माँ संभल कर। माँ दीदी देखो ना माँ को क्या हो रहा है। माँ 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 क्या हुआ तुम्हें? माँ यहाँ बैठ जाओ। माँ दीदी दवाई दो। माँ ये लो। माँ सुनो, तुम माँ को चैन से जीने नहीं दोगे क्या? तेरी एक गलती की वजह से माँ की तबीयत और बिगड़ती जा रही है, समझ में नहीं आता है क्या कि दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालता रहता है? छी, तू कभी नहीं सुधरने वाला। माँ तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, टेंशन क्यों लेती हो तुम? अब मैं एक और गलती करूंगा तो तुमसे दूर हो जाऊंगा, यही सोच रही हो? चलो मैं कोई गलती नहीं करूंगा, ठीक है माँ? वादा करता हूँ, प्रॉमिस किया ना माँ। स्माइल। कितना टाइम हो गया, कब से वेट कर रहा हूँ तुम लोगों का? ए संदीप चल चलते यार, मेरा बड़ा भाई प्रॉपर्टी हड़पने के लिए नेता से भी खतरनाक राजनीति कर रहा है। तू साथ में रहेगा तो उसे सीरियस वार्निंग दे पाऊंगा, आज आर पार हो जाना चाहिए। चल चलना। मैं नहीं चल सकता, प्लीज तुम लोग जाओ। ये क्या बात हुई यार, सबके झगड़ों के बीच में घुसकर सुलझाने वाला तू? आज तेरे दोस्त का बैंड बज रहा है और तू चलने जा? थोड़ी देर चुप रहेगा तू? अरे घर से मुझे कब निकाल देंगे इस बात की टेंशन हो रही है, और तू चाहता है मैं तेरे और तेरे भाई के लफड़े में पड़ूं? तो तेरी टेंशन ये है, सुन रहे, हम चाहे जितनी भी गलतियां करें बड़े निकाल देंगे कहकर डराते हैं बस, लेकिन कभी भी वो ऐसा करते नहीं है। चल मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू मेरे पिताजी को जानता नहीं है। मेरे एक चाचा जी थे, बैचलर चाचा जी, उनका नाम था फूल सिंह। चलता हूँ बेटा। चाचा जी कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जाऊंगा ये मुझे क्या पता है बेटा, मैंने अब तक 50 गलतियां की होंगी, इसकी वजह से जाने अनजाने में पता नहीं कितनी गलतियां हो गई मुझसे। और तेरे पिताजी ने अनुशासन के नाम पर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आज से 20 साल पहले मैंने भी ये देखो ये मंगलसूत्र खरीद कर रखा हुआ था, मगर शादी नहीं कर पाया इसकी वजह से। सुन रहे, तू जरा स्पीति से सावधान रहना। बस करो नाना जी, और तारीफ।
क्या कर रहा है? अरे बाप रे! तेरे पिताजी धर्माधिकारी लगते हैं। तू अपना मुंह बंद रखेगा। सुन संदीप, निकाल देंगे तो टेंशन की बात नहीं है, वैसे भी मुझे मेरी जायदाद मिल जाएगी, फिर तू मेरे पास ही रहना, और जब जायदाद हमारे पास होगी तो हम रिश्ते नातों का क्या करेंगे यार? सुन, एक बात हमेशा याद रखना, कितनी भी जायदाद हो और अपना कहने वाला कोई भी ना हो ना, तो वो सबसे बड़ा गरीब है। अपने भाई का साथ मत छोड़ना। ए, ए। वो एक गलती ना करने से इसे भगवान ही बचा सकते हैं। दुनिया में आपकी आराधना कितने लोग करते हैं, पर आपका सारा कंसंट्रेशन मुझ पर ही रहेगा, ये मैं समझ गई हूँ। बस यहाँ आकर कहना होता है, उधर मेरी बात पूरी। आपकी वजह से मेरी जिंदगी में 3 चमत्कार हुए हैं। रोज पूजा करता हूँ, मेरी जिंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में 3 चमत्कार हो गए बेटी। हाँ पंडित जी, पहला 10वीं में पास होना था। एक लड़की को 10वीं पास करना क्या मुश्किल है? बिल्कुल, लड़की जब पैदा होती है तो हर कोई सोचता है कि वो स्टेट रैंकर बन जाएगी, कोई मुझे से डफर भी हो सकती है, ये वो सोच ही नहीं सकते। बताओ तो, ऐसी एक्सपेक्टेशंस को पूरी करने के लिए बेचारी लड़कियां दिन रात मेहनत करती हैं, पढ़ाई करती रहती हैं। मुझे बचपन में ही अपनी इंटेलिजेंस के बारे में पता चल गया था, ये पढ़ाई वढ़ाई मुझसे नहीं होने वाली थी, इसीलिए अपने करियर की सारी जिम्मेदारी इन पर सौंप दी। उन्होंने ऐसा क्या किया बेटी? फर्स्ट मिरेकल, 10th में पास करवा दो भगवान, 50 नारियल चढ़ाऊंगी कहकर मन्नत मानी थी, फर्स्ट क्लास में पास करवा दिया, एज अ प्रॉमिस नारियल चढ़वा दिए। सेकंड मिरेकल, इंटर पास करवा दो भगवान, आपके 10 भक्तों को घर पर खाना खिलवाऊंगी कहकर मन्नत मांगी थी, इमीडिएटली पास करवा दिया उन्होंने। और थर्ड मिरेकल, मुझे अच्छी कंपनी में जॉब दिलवा दो भगवान, तिरुपति आकर फर्स्ट सैलरी आपकी हुंडी में डालूंगी कहकर मन्नत मानी थी, वो भी फटाफट हो गया। अब तो बस तिरुपति जाकर मेरी सैलरी हुंडी में डालना ही बाकी रह गया है। तिरुपति की टिकट भी बुक करवा दी है। ये लीजिए साहब जी आपकी टिकट। मेरी टिकट क्यों लाया? बड़े साहब की शादी तिरुपति में होने वाली है ना, वहीं की टिकट है ये। मेरी टिकट सेपरेट क्यों आई है? रिजर्वेशन के लिए रेलवे स्टेशन गया तो सबके टिकट एक बोगी में हो गए, सिर्फ आपका टिकट ही दूसरी बोगी में मिला। वैसे एक बात बता दूं, आपके लिए तो अच्छा ही हुआ। मेरे लिए अच्छा कैसे हुआ बोलेगा? आपकी गलती का नंबर 99 है ना, बची हुई एक गलती आपने ट्रेन में कर दी, तो समझो बड़े साहब जी आपको चलती ट्रेन से बाहर रखेंगे। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वेंकटाधरी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पे प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से तिरुपति जाने के लिए रवाना होगी। मामा जी हाँ। पता नहीं मुझे क्यों आज की रात आपके साथ आखिरी रात लगती है। हाँ? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? शाम से ना मेरी बाई आंख बहुत फड़क रही है। अरे पागल भांजे, तेरी आंख फड़क रही है तो तुझे प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं। मामा जी, आंख किसी की फड़के रहेगी आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि नाना जी की नजर आप पे होगी, संभल के रहना वरना कांड हो जाएगा। देखा तूने, सब लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। बस भी कीजिए साहब जी, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं, म्यूजियम में ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति को इसी तरह हैरानी से देखते हैं। सुनो, बैग में सब कुछ ठीक से रखा ना? हाँ जी, सब रख लिया है। तुमने अपनी सारी दवाइयाँ रख ली? जी हाँ, सारी दवाइयाँ रख ली। दुल्हन के कपड़े? हाँ रख ली है। मंगलसूत्र? हाँ,
क्या हुआ, रुकी गई? कुछ नहीं जी, चलिए। मंगलसूत्र तुमने संभाल के रखा है ना? हाँ, रख लिया है जी। ठीक है। क्या ढूंढ रही हो माँ? मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है बेटी। क्या मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है? ठीक से देखो माँ। माँ तुम कहीं भूल तो नहीं आई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? तुम टेंशन मत लो। सुनिए जी, इसे सीट के नीचे रख। जी साहब। मंगलसूत्र नहीं लाए? मंगलसूत्र नहीं लाए? मंगलसूत्र नहीं लाए? दिमाग नहीं तुम्हें? सारा काम माँ को अकेले करना पड़ता है, इसलिए वो भूल गई होंगी। तुम क्या कर रही थी? धुले हुए कपड़ों को धोती रहती हो, मंगलसूत्र नहीं ला सकती थी? वो क्या है ना, सारी चीजें माँ ही संभालती है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया जी। वैसे साहब जी को इसके बारे में पता है क्या? नहीं पता। अगर उनको पता चला तो हम सबको ट्रेन की पटरी पर लेटाकर एक साथ सबको ट्रेन से कुचलवा देंगे। आप चुप रहिए जी, ऐसी बातें करके डराइए मत। अब घर जाके लाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन घर कौन जाएगा? कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं उन्हें जाकर सब सच बता दूंगी, जो होगा देखा जाएगा। रुक जाओ माँ, वो आप पर बरस पड़ेंगे, मैं लेकर आता हूँ। लेकिन बेटा, अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? पता चलने का कोई चांस नहीं है, वैसे भी मेरी सीट दूसरे कंपार्टमेंट में, लेट भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मैं अभी जाके आता हूँ, तुम टेंशन मत लो। दीदी माँ को संभालो, मैं अभी लेकर आता हूँ। सुनिए, नया नगर चलोगे क्या? पैसेंजर आ रहा है सर। बॉस, नया नगर चलोगे? गैस नहीं है। आप? नहीं साहब। मैडम आपने सो दिया है, मीटर का 90 हुआ है, 10 रुपए सूटे नहीं है, चेंज दीजिए ना प्लीज। कहाँ से चेंज दूँ? मीटर का 90 हुआ है, 80 दूंगी तो चलेगा क्या? प्रार्थना, एक एक रुपए का हिसाब रखती हूँ, तुम जाकर चेंज लेकर आओ। कंजूस लगती है। हाँ माँ, अभी स्टेशन पर ही पहुँची हूँ। ठीक है, संभल कर ही जाऊंगी माँ, वैसे भी मुझसे कौन पंगा लेगा? पंगा लेगा तो मरेगा वो। ए, कौन हो तुम? माँ फोन रखो, मैं बाद में करती हूँ। अरे रुक, मेरा ऑटो लेकर कहाँ भाग रहे हो? रुक। हेलो बॉस, कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ लेकर जा रहे हो? ये रोको रोको रोको, who the hell are you man? चिल्लाओ मत, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। कोऑपरेट करूँ मैं? क्या समझते हो तुम? मार डालूंगी तुम्हें मैं। ऑटो रोको, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तो मेरी तिरुपति की ट्रेन छूट जाएगी। सुनिए जी, मुझे भी उसी ट्रेन से जाना है, प्लीज जी, आपको मैं किडनैप नहीं कर रहा हूँ जी। क्या कहा? किडनैप? हेल्प हेल्प हेल्प। ओ मीटर तो बढ़ता ही जा रहा है। मुंह बंद कर, वरना मीटर से तेरा सर फोड़ दूंगा। दिमाग खराब कर दिया छे, कितना चिल्लाती है। ए हेलो चाबी। चोरी आधी रात की बात करता है, ये कैसा चोर है जो रात होने से पहले ही चोरी कर रहा है? अभी बताती हूँ इसे। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। ए ऑटो 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 ऑटो। मेरा बैग, मेरा बैग। ए भाई, वो रहा मेरा ऑटो। स्टॉप 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 स्टॉप, उस ऑटो में मेरा बैग है, जल्दी से उसका पीछा करिए प्लीज, जल्दी। बैठो, हम उसी का पीछा कर रहे हैं। भाई वो भाग रहा है, आप प्लीज चलाइए ना प्लीज। भाई प्लीज प्लीज फास्ट, उसमें मेरा बैग है भाई। बाप रे, ये बहुत तेज चला रहा है। मेरा बैग, मेरी सैलरी। हेलो, लगता है तुम भूल गए हो मुझे, 10 रुपए देने हैं ना, वो निकालो, लाओ। अब आप मेरी बात सुनिए, दोनों ऑटो का मिलाकर 400, अब आपको मुझे देना होगा। स्टूपिड फेलो, बहुत परेशान कर दिया, वापस मिला तो देख लूंगी। इडियट। अरे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? आपने पैसा दिया तो कहाँ गया? मैंने अपनी जेब से 500 का नोट निकाल कर दिया था, फोन पर बात करते करते तुमने कहाँ रख दिया, मुझे क्या पता? रे, मैं तुझे आप करके बात कर रहा हूँ, तू मुझे रे करके बात कर रहा है। दोबारा रे बोला तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बोलूंगा, एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा। बेटा संदीप, वहां मत देख, नहीं तो तेरी गिनती पूरी हो जाएगी। जरा उधर देखो तुम। अरे वाह, ये काम कर रही है।
अरे हट जा हट जा, बड़ा डेंजर मच्छर है। डेंगू मच्छर। हाँ, उत्तराखंड वाली बाढ़ भी आ जाए तो भी मुझे नींद से मत जगाना भगवान। हे भगवान, आज की रात के सपने में मुझे फॉरेन की हीरोइनें आनी चाहिए, मुझे वो मस्त लगती हैं, उनके बिना नींद नहीं आती ना। छी, रोज कुछ ना कुछ भूल ही जाता हूँ, आज पानी बोतल भूल गया। प्यास लग रही है, बैग भी बहुत भारी है, मैं किसी को दे दूँ क्या? छी छी, किसे दूँ मैं? अरे बापरे, ये तो शक्ल से ही चोर लगता है। बहन जी, ये बैग का वजन नहीं उठा पाएगी। ये सही लगता है। एक्सक्यूज मी सर, आई एम चमनपुरी फ्रॉम मायापुरी। हाय सर। हाय, आई एम संदीप। भाई, मेरा बैग थोड़ी देर रखेंगे क्या? पानी की बोतल लेकर आऊंगा, फिर ले लूंगा। नो प्रॉब्लम, आप जाइए। संभाल कर रखना। आपका फोन नंबर क्या है? अगर ट्रेन चली और मैं नहीं आ पाया तो आप मुझे मिस कॉल दे देना। 949-1234-539। थैंक यू भाई। भाई भाई, ये मेरा नंबर है, मिस कॉल देना, भूल मत जाना। बैग संभाल कर रखना भाई। ठीक है। थैंक यू भाई। ओके। बैग तो भारी है। नहीं बेटा संदीप, तुझे झगड़ा नहीं निपटाना है, पिताजी को पता चला तो घर से निकाल देंगे। कंट्रोल। ये ट्रेन चलती क्यों नहीं है? लड़के वाले आ रहे हैं, उनके आते ही बजाना शुरू कर देना, समझे ना? समझ गए साहब। नमस्कार साहब। नमस्ते। नमस्ते। गाड़ी किस तरफ है? बाहर खड़ी है साहब। ठीक है। नमस्ते। आइए आइए, नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है। बस कीजिए, शर्म आ रही है। चलिए जमाई राजा, कार में बैठिए, आइए। ए संदीप, उठना। ए संदीप, इतनी जल्दी तिरुपति पहुंच भी गए? थोड़ी देर और सोने दो जीजा जी। रात भर तेरी नींद पूरी नहीं हुई, तिरुपति आ गया, जल्दी बाहर आ जा। इस ट्रेन में इतनी अच्छी नींद आई है, ऐसी नींद मुझे घर पे भी नहीं आती। अरे पुलाव वाले लड़के, तू इस ट्रेन में कहां जा रहा है? क्या कहा, क्या कहा तुमने? मैं पुलाव वाला लड़का हूं, मैंने पुलाव का पूरा पैसा दिया है, मेरी भावनाओं के साथ चलोगे तो। सर बैठ जाइए, सर बैठ जाइए ना। जीजा जी, आप जो समझ रहे हैं वो नहीं है, आप जाइए, मैं आता हूं। एक मिनट के लिए सोने भी नहीं देते सर। सर हां ठीक है, चुप हो जाइए सर, आप चलिए ना, मैं आता हूं। अरे वो पागल तो नहीं हो गया? उस पर ध्यान मत दीजिए, आप चलिए यहाँ से। आइए आइए। बहुत मस्त नाच रहे साहब जी। इज्जत मत उछालू, चलो बैठो बैठो ना, बैठो। अरेंजमेंट तो बहुत ही बढ़िया किया है, मैंने अपनी शादी के लिए जैसा सपना देखा था ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। सबके क्या रिस्पेक्ट है, मजा आ गया मुझे। वाह, पिताजी ने इतने साल इंतजार करवाया पर रिश्ता अच्छे घर से लाए। ये तो क्या बोल रहा हूँ। ए तेरा ध्यान किधर है रे, बोलता क्यों नहीं है तू? क्या क्या सोच रहा है तू? और ये शाल क्यों ओढ़ रखी है? वो क्या है ना भैया, ठंडी लग रही है। क्या कहा? यहाँ पसीना से बुरा हाल हो रहा है और तुझे ठंड लग रही है? चल निकाल इसे। नहीं भैया, नहीं भैया, रहने दो, निकाल इसे भैया, छोड़ो भैया, निकाल रहा हूँ ना। अरे ये क्या है रे, ये चोट कैसे लगी, ये सब कैसे हुआ? तू बर्थ पर लेट कर आया है या बाथरूम में लेट कर आया है? मेरी बाई आंख फड़की तभी मुझे लगा कुछ गड़बड़ होगी और गड़बड़ हो गई। तू चुप कर, क्या हुआ संदीप? रात को ट्रेन में तो सब कुछ ठीक था। अब छोड़िए ना जीजा जी, इस मैटर को यहीं खत्म करो। कैसे खत्म कर दे इसे, आखिर तुझे हुआ क्या है बता। ए कार रुको, पिताजी को बुलाओ। रुको। ए क्यों बात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, बाद में बता दूंगा। ऐसे नहीं बताएगा तू। ए गाड़ी रुको, पिताजी को बुलाओ, यहाँ पर बोल ना। जो होगा देखा जाएगा। क्या कर देगा तू? क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? बात करता है। अरे मैं भी क्या दे रहा है, चल भाग यहाँ से, चुप रहने बोला ना, बच्चों की तरह लड़ रहे हो, साइड में चलकर बात करते हैं। तुम बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? I am sure sir, I gave him 500 rupees note for a parcel of Italy sir. He is there sir.
हिंदी में की हुई गलती इंग्लिश में बोलकर कवर करना चाहता है तू? तुम्हारे इंग्लिश बोलने से यह साबित नहीं होता कि तुमने इन्हें 500 रुपए दिए। लेकिन वो आपने बहुत अच्छा बोला सर, थैंक यू। अब चुप क्यों है? झगड़ा मत कर, जो पूछ रहे जवाब तो दे। ये यहाँ पर है, चोर कहीं का, यहाँ पर भी किसी को बिस्किट खिला रहा होगा। आज ये गया नहीं बचेगा। आपने पैसा दिया होता तो यही होता। आप अपना पर्स दिखाइए मुझे। आप रुकिए सर, क्यों अब इनका पर्स लेकर भागना चाहते हो? क्या कहा? ये सब चल क्या रहा है तुम्हारा? पूरी रात इसी तरह लूट मार करके कमाते हो? इस तरह लूटते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कुछ समझा नहीं जी। अंधेरा होते ही तुम्हारे अंदर का चोर जाग जाता है, इसकी मैं जीती जागती गवाह हूँ। पत्थर से ताला तोड़ते हुए मैंने नहीं देखा, ये सोच रहे हो ना? ओके 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 ओके, वो तुम हो। चाबी नहीं थी इसलिए पत्थर से ताला तोड़ा। सही कहा तुमने, चोरी करने के लिए चाबी की क्या जरूरत है? इनफैक्ट पत्थर, रॉड, हथौड़े जैसे बहुत हथियार होते हैं तुम्हारे पास चोरी के लिए। ए, चोरी किसने की है? वो मेरा ही घर था। झूठ का बिस्किट मुझे मत खिलाओ। बिस्किट खिलाने के लिए तुम कोई कुत्ते की बच्ची नहीं हो। तुमने मुझे कुत्ते की बच्ची कहा? अब मैं तुम्हें बताती हूँ। देखिए सर, इसे हम लोग ने अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो आपका और मेरा जो नुकसान हुआ है वो देश के हर नागरिक के साथ होगा। ए, वैसे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है जी? चोरी के लिए तुमने जो ऑटो चुराया था उसका फेयर 400 किसने दिया ये तुम जानते हो? प्रार्थना ने। एक एक रुपए का हिसाब रखती हूँ मैं। चलिए सर, आरपीएफ में कंप्लेन करते हैं। आई विल सी यू। थैंक यू। हाँ हाँ, जाओ जाओ। बेटा, अगर तुम वक्त पे नहीं आते तो ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होता। मेरी दुकान की एक प्लेट इडली तो खा लो। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए। नहीं चलेगा, खाना ही पड़ेगा। इसने तो हम दोनों को परेशान करके रख दिया सर। इडली कैसी लगी बेटा? सुपर। चटनी कैसी लगी? वो भी सुपर है जी। ओ भाई, उनकी इडली कैसी थी हमें क्या लेना देना? तो ये बता, हुआ क्या था? मैं आपको चार चित्र दिखाऊंगा, उनमें से एक में थोड़ा अंतर होगा, जब देखोगे तो सब पता चल जाएगा। चौथे चित्र में मामा जी के पीछे ट्रेन नहीं है। समझ में आया। कहाँ जा रहे हो बेटा? फैमिली के साथ तिरुपति जा रहा हूँ, वेंकटाधरी एक्सप्रेस से। वेंकटाधरी से? हैं? बेटा, तुम्हारी ट्रेन तो चल पड़ी बेटा। अरे बेटा, तुम्हारा बैग बेटा। थैंक्स काका। सुबह शादी है और मंगलसूत्र मेरे पास है। मंगलसूत्र तो माँ के पास होना चाहिए, वो तेरे पास कैसे आया? अरे ये बात सबको पता है साहब जी, सिर्फ आपको छोड़कर। जानता हूँ। बाद में क्या हुआ साहब जी, बताइए साहब जी, बताइए, टेंशन हो रही है बहुत। बेटा क्या हुआ बेटा? सुनिए जी, मुझे ये ट्रेन हर हाल में पकड़नी है, किसी भी तरह से आप मुझे ये ट्रेन पकड़वा सकते हैं? हाँ, शादनगर में मेरी एक कैंटीन है, रोज वहाँ सामान ले जाने के लिए एक ऑटो जाता है, तुम ऑटो से जाओगे? ऑटो कहाँ है बोलो? मास्टर जी, हाँ? यहाँ जो ट्रेन खड़ी थी वो कहाँ गई? वो तो कब की चली गई बेटी? क्या चली गई? वहाँ पर ऑटो तो दिखाई दे रहा है, ड्राइवर कहाँ है? तुम चिंता मत करो। अरे एनी, ड्राइवर एनी ऑन द ड्यूटी। काका, ये तो बेवड़ा है, ड्राइव कर पाएगा? मगर की ताकत पानी से होती है, इसकी ताकत दारू से होती है, आप चिंता मत करो। अरे एनी, तुम्हारा एक मिनट, आ जाऊं। अरे पागल, कहीं के तू इधर से आ सकता था, उधर से क्यों आया? इधर से लेट हो जाता, इसने शॉर्टकट आया। बेटा, इसका नाम आनंद कुमार है, हम इसे प्यार से एनी बुलाते हैं। तुझे अर्जेंट साहब को शादनगर ले जाकर ट्रेन में बिठाना, बिठाने तक छोड़ना नहीं। डोंट वरी, तुम निश्चिंत रहो, सतना से ट्रेन में बिठा दूंगा। सतना क्यों जाएंगे, हमें शादनगर जाना है। जगह इम्पोर्टेंट नहीं है ब्रदर, ट्रेन में बैठना इम्पोर्टेंट है। मैंने एक बार वादा कर दिया तो उसको पूरा करके शासित करो। नशा उतरा तो वादा भूल भी सकता है, संभल कर जाना। ये बताना जरूरी था, क्वार्टर का पैसा देते नहीं हो, फोकट में मेरी इज्जत उतारने लगे हो तुम। एनी जी, इज्जत की बात में करेंगे, ट्रेन निकलना चाहिए, चलिए। अब भाई, आज मैं तुम्हें अपने खानदान के बारे में बताऊंगा। तेरे खानदान की नहीं, तेरी सात पुश्तों की कहानी सुनने को तैयार हूँ, पहले तू यहाँ से चल तो सही। मेरे दादा सरकार में कार और जीप दौड़ाते थे, आज मैं तुमको ना देखना रजनीकांत की तरह से चला के दिखाऊंगा। अरे सुन रे बेवड़े, सतना बदले जाना, सात नगर जाना है। अरे
लास्ट मिनट में आखिरकार मैंने ट्रेन पकड़ ही ली, वरना मेरी तो बैंड ही बज जाती। वैसे उसने बोला था कि ट्रेन चलेगी तो मुझे मिस कॉल करेगा, फिर भी उसने मिस कॉल क्यों नहीं किया? हाँ, कहाँ गया वो? ओह, लगता है बाथरूम गया होगा। ओह, आदमी बड़ा ईमानदार है, बाथरूम में भी मेरा बैग लेकर गया। जवानी बड़े काम। एक्सक्यूज मी मैडम, अंदर कोई आदमी भी है क्या? बाथरूम को तूने थिएटर समझ रखा है, जो मेरे साथ अंदर फिल्म देखेगा, बदतमीज। अरे एनी जी, ये ऑटो है, हवाई जहाज नहीं। ए, जब मैं नशे में होता हूँ ना तो हवाई जहाज और ऑटो एक से दिखते। ये मरने हेलो? क्या? हेलो भाई, मैं चमनपुरी। सॉरी रॉन्ग नंबर है। भाई 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 भाई, फोन मत काटना। हेलो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बैग दिया था, वही चमनपुरी। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ बोलिए चमन जी। आप कौन सी कोच में है भाई? असल में कोच में तो क्या, ट्रेन में भी नहीं हूँ। क्या, आप ट्रेन में नहीं हो? ट्रेन में क्यों नहीं हो भाई? ट्रेन में क्यों नहीं हूँ, इसका एक ही जवाब दे सकता हूँ चमनपुरी जी। ट्रेन मिस हो गई, शादनगर से ट्रेन पकड़ूंगा। फिर मेरा बैग? बैग तो मेरे पास सेफ रखा हुआ है, उसमें मेरे सारे सर्टिफिकेट है भाई, सुबह मुझे इंटरव्यू देने जाना है। ठीक है, आप शादनगर स्टेशन से पहले चैन खींचकर ट्रेन रोक दीजिए। हां, चैन खींचनी पड़ेगी, ठीक है रुकिए। अरे बाप रे, चैन का तो इसने झूला बना दिया है। ये तो चैन से ही किस्मत कर रहा है, मैं तो मर जाऊंगा भाई। मुझे लगता है यहाँ की सारी चैनें खराब है, आपको ही किसी तरह यहाँ पहुँचना होगा। ठीक है, इसकी स्पीड से तो लगता है ट्रेन के पहुँचने से आधा घंटा पहले ही पहुँचाऊंगा। भाई मुझे थोड़ा डाउट है, आप पुराना माने तो पूछूं? अरे हाँ पूछिए चमनपुरी जी। आप कहीं चोर तो नहीं है ना भाई? अगर मैं चोर होता तो फोन स्विच ऑफ कर देता ना। या करेक्ट भाई, सॉरी भाई। मैं आपको फोन करता रहूंगा, ट्रेन कहाँ तक पहुँची है उसकी इन्फॉर्मेशन देते रहना। ओके भाई, डन। ये पीछे कौन है? सुनो भाई, टिकट नहीं है? ओ तो चलो चलो चलो। सर सर सर, मेरी बात सुनिए सर। सर सर, टिकट बैग में ही है सर। बैग में है तो निकाल कर दिखाओ। बैग मेरे पास नहीं है सर, किसी और के पास है। किसी और के बैग में तुमने टिकट क्यों रखी? वो बैग मेरा ही है सर। मतलब तुम्हारी टिकट नहीं है? टिकट भी मेरी है, बैग भी मेरा ही है सर। जब दोनों तुम्हारे ही हैं तो किसी और के पास क्यों है? जल्दी जाकर उससे टिकट लेकर आओ। वो ट्रेन पकड़ने में लेट हो गया सर। मतलब टिकट ट्रेन में नहीं है तुम्हारे पास? आप सही कह रहे हैं सर, मुझे फाइन भरना पड़ेगा सर, लेकिन पैसे भी मेरे बैग में ही है। भगवान, मैं लिटरेचर का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, साहित्य के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, तुम्हें फाइन देने की जरूरत नहीं है। बदले में मुझे एक अच्छी सी कविता सुनाओ। कविता? हाँ सर। हा? मैं सुनाता हूँ ना सर। हा? आपके बगीचे में, हा? हमारे आपके बगीचे में, काव काव करते करते, काव काव करते करते, एक प्यारा सा कौवा आया जिसने गर्मी में पहना था जैकेट। क्या कहा तूने? कौवे ने जैकेट पहन रखी थी? बचपन से मैंने जैकेट नहीं पहनी और तू उसे पहना रहा है? पागल गधा, सर अब नहीं रहा हूं सर। कविता, मैं कविता नहीं सुनाऊंगा तो मुझे बहुत मारेगा, मैं यहां से भागता हूं। कविता कैसी कैसी, सुनने से पहले ये बहरा हो जाए, पढ़ने से पहले अंधा हो जाए। अब क्या हुआ इसे? शादनगर। ए, मैं तो जा ही रहा हूँ ना साहब, यहाँ रोज शादनगर चिल्लाता हूँ तो पैसेंजर मिलता है, उसके दिए पैसे से दारू का कोटा पूरा करता हूँ। तो पैसा मैं दे दूंगा, लेट हो रहा हूँ, तू जल्दी चल। सुनो, आप मेरे गेस्ट हो, आपके पैसे से दारू लूंगा तो मेरे खानदान की नाक कट जाएगी, आपको ट्रेन में बिठाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना? सात नगर। आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ, आगे पीछे एडजस्ट करके बैठो, ऑटो छोटी है। चल। अरे एनी भाई, ऐसे बैठोगे तो ब्रेक कैसे लगाओगे? ब्रेक मैं ही लगाऊंगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं, जिसका पैर पोछे को लगा देगा। जीप बेवड़ा है। अबे कैसा चला रहा है बाबू? तुम आराम से तो बैठे हो ना? बड़ा आराम मिल रहा है, जैसे कोई फ्री में मसाज कर रहा हो। ये मजाक कोई उड़ा नहीं रहा ना। अरे 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 अरे। चलो आगे सब लोग उतरो, बहुत बैठ लिया तुम लोगों ने। मेरी ऑटो से जाम मेरी। सुनो भाई, शादनगर बोल के ऑटो यहाँ के रुका दी? ए, जाम मेरी ऑटो रुकती है ना, समझ लो स्टॉप है। ए, राम पांडे तू इधर आ, कितना हुआ भाई? मेरा क्वार्टर 78 रुपए का है, इसको 3 से डिवाइड करो तो कितना बनेगा ब्रदर? 26 होगा यार। 26, मेरे चखने का 30, मतलब हर आदमी पर 10 रुपए ऐड करेंगे, हर आदमी 36 रुपीस देगा। चलो जल्दी निकालो, तुमने कैसा हिसाब लगाया बाबा? सब लोग टिकट का दाम किलोमीटर के हिसाब से लगाते हैं और तुम क्वार्टर के ऊपर से हिसाब लगा रहे हो। अबे मैं कैसे भी हिसाब लगाऊं, चुपचाप पैसे निकाल।
कहाँ फंस गया राम राम। भैया राम पांडे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नहीं कहीं होगा, ये ले, ठीक से देखा तूने? देखा पर नहीं है। अरे राम पांडे, राम पांडे, मैं जाग गया। हे भगवान, सुनो भैया, पीछे बैठा हमारा राम पांडे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मेरे ऑटो में जाते वक्त जितने लोग बैठते हमेशा उतरते वक्त उनमें से कुछ कम हो जाते हैं, वही मेरी स्पेशलिटी है। तुम जाके ढूंढो उसे, यही कहीं पड़ा होगा। अरे अनी भाई, वहाँ कहाँ जा रहे हो? हाँ, थोड़ा चढ़ा के आता हूँ, तुमको भी मारना तो आगे। तेरी तो, जा तू, जा। ऐसे तो पहुँच नहीं पाऊंगा। चाबी 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 चाबी, छे, पता नहीं कहाँ रखी होगी। उस चोर का क्या करें सर? उसे तो मैं संभाल लूंगा। ठीक है सर। ए बेटा, क्या चाहिए सर? इस घटिया दारू के अलावा कोई अच्छी दारू हो तो लेके आ, जो मेरे लेवल से मैच करती हो। क्या बोला? मेरी दारू को तू घटिया बोलता है? 1600 रुपए की एक बोतल आती है, तेरी समझ में आया? एक बात बता दू, जो ब्रांड मैं नहीं पीता हूँ मेरी नजर में घटिया। मेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, मैं पुलिस वाला हूँ जानते हुए भी पंगा ले रहा था। चोर पुलिस गुंडा वाली, दारू के अड्डे में सब बराबर है। ऑल इज इक्वल, इक्वल इज हियर। तू और मैं एक जैसे हैं क्या? ए, अरे, अरे फोन उठाओ। हे भगवान, पीसी तो नहीं आ रहा। ओके, हाँ बोलिए भाई। क्या हुआ चमनपुरी, फोन क्यों नहीं उठाते? सो रहे हो क्या? भाई टीसी टिकट के लिए जान खा रहा है, ऐसी टेंशन में नींद कैसे आएगी? तो फोन उठाने में इतना वक्त क्यों लगा? बात यह है भाई, ये मेरी नई कॉलर ट्यून है, अगर कोई नहीं सुनेगा तो मेरे हर महीने के 30 रुपए वेस्ट हो जाएंगे। मेरी कॉलर ट्यून कैसी लगी सर? मैं तेरी कॉलर ट्यून पर प्रवचन देने के मूड में नहीं हूँ। ये बता ट्रेन कहाँ पहुंची? 15 मिनट में शादनगर पहुंचेगी। बैग बैग। अरे कितना मारोगे? छुड़िया, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सर नशे में धुते, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी सर, सॉरी सर। मेरी आंखों से दूर ले जा इसको, नहीं तो एनकाउंटर कर दूंगा इस बेवड़े का। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बैग भी, पता नहीं कहाँ होगा मेरी नौकरी का क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। सिर फट रहा है, थोड़ा दबा लेता हूँ। मेरी नौकरी। ए, चल बैठ, ऑटो स्टार्ट कर। प्यार से बोला, उन लोग मुझे मारने लगे। चल बैठ, पुलिस वाला गुंडा, मैं छोड़ूंगा। मैंने दारू की बेइज्जती की है, छोड़ूंगा। अरे बैठ ना, गाड़ी स्टार्ट कर, स्टार्ट कर, लेट हो रहा है, जल्दी चल। अब क्या ढूंढ रहा है? अरे मिल नहीं रही है, कहाँ गई चाबी? अरे क्या नहीं मिल रहा है? मेरी गर्दन। सुन, ऑटो स्टार्ट करने के लिए तेरी गर्दन का क्या लेना देना? अरे मेरे गर्दन में चाबी का गुच्छा लगा था, कोई नहीं मिल रहा है। बेवड़े राजा, ठीक से याद कर तू, गर्दन कहाँ रख कर भूल गया? अरे उससे झगड़ा हुआ था ना, वहीं कहीं गिर गया। ठीक है, चल 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 चल, मेरी कोई गलती नहीं है। चुप रह मेरे, जल्दी चल। कहाँ रखी? बाप रे, ये फिर आ गया। अरे भाई मेरा दिमाग क्यों चारना चल जाए यहाँ से। घटिया दारू। अरे बेटा इसे कहीं बंद कर दे, वरना यहीं भटकता रहेगा ये। अरे चल जल्दी चल। आज किसका मुंह देखा था? यही किसी कोने में गिरी पड़ी होगी। एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो चमनपुरी। भाई अगला स्टेशन आ रहा है, 9:40 तक पहुँचेगी। फिर शादनगर? शादनगर, शादनगर में कैसे होगी भाई? शादनगर तो कब का निकल चुका है? आप कोई रेल मंत्री हो क्या, जो स्टेशन पर ट्रेन आपका इंतजार करती खड़ी रहेगी? शादनगर निकल के 10 मिनट हो गए। ट्रेन अभी तक आई नहीं ना? नहीं आई। और 2 पैग लगाने क्या? बेवड़ा कहीं का, ट्रेन 10 मिनट पहले ही जा चुकी है। तुझ जैसे आदमी पर भरोसा किया, जा। ट्रेन चली गई तो क्या हुआ, मैंने तुमसे वादा किया है तो उसी ट्रेन में तुमको बिठा के रहूंगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। खून पसीना एक कर दूंगा, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा के दम लूंगा। पिताजी 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 पिताजी, ये क्यों फोन कर रहे हैं? कहीं ने पता तो नहीं चल गया? संदीप कूल। हेलो, बोलिए पिताजी। लेकिन पिताजी ने तुझे क्यों फोन किया? वो फोन पिताजी ने नहीं किया था। तो फिर किसने किया था? ए संदीप, मैं आनंद बोल रहा हूँ। हाँ जीजा जी, बोलिए। थोड़ी देर पहले पिताजी डिनर कर रहे थे, तभी किसी का हाथ लगने से खाने का पूरा पैकेट नीचे गिर गया। फिर क्या हुआ? मुझे वापस लाने को बोला है, वही अगर तू लेकर के आएगा तो उनके करीब जाने का तुझे मौका मिल जाएगा। चांस हाथ से मत निकलने दे। जीजा जी मेरी बात सुनिए भाई, सुनिए। ट्रेन में कैसे जाऊँगा, खाने का पैकेट कैसे दूंगा मैं? जीजा जी को बता दो। नहीं नहीं, जीजा जी डर जाएंगे, घबराहट में किसी को बता देंगे।
पिताजी को खाना मिल जाए बस, वो चाहे कोई भी लेकर जाए। पीएचडी की पढ़ाई करने वाला मैं आपके पिताजी को खाने का पैकेट दूं, यह मुझसे नहीं होगा। प्लीज चमनपुरी, मेरी हेल्प कर देना, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। कैसी हेल्प भाई, पहले मेरा बैग दे दो, मुझे सोने जाना है। मेरे साथ सोओगे ना तो बहुत मजा आएगा। भगवान, ची 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 ची, ए तू दूर हट, दूर हट, दूर हट। क्या बात है, 10th में 600 में से 560 मिले, वेरी गुड बेटा। ए भगवान, तब तो मैं पढ़ाई के लिए बहुत पागल था भाई, खाना पीना सब छोड़कर ओनली टेस्ट बुक में ही डूबा रहता था। अबे मत दबाना, फाड़ दूं इसे। ओ, आपके पिताजी कौन से कोच में भाई? ब्रदर आजो आजो आजो, फटाफट गाड़ी में बैठो। ये किसकी गाड़ी लाए हो? मेरे रिश्तेदार की गाड़ी, तुम बैठो। नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है बोलो? कर्नूल। तो हमारा टारगेट कर्नूल। भगवान, अब खाना पता नहीं कहाँ मिलेगा। पुलाव वाला। सुनो चावल वाले, एक पैकेट कितने का? 40 रुपए का। 40 रुपए का? भाई भाई भाई, 30 रुपए में दे दो ना। रात के 10 बज रहे हैं। हाँ? ऐसे में जो कुछ मिले चुपचाप ले लो, वरना भूखे मर जाओगे। हाँ, चलो ठीक है, एक पैकेट दो। अच्छा एक काम करो, कुछ पैकेट और दे दो। पहले पैसे दो, लाओ दो। पुलाव वाला, पुलाव वाला। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। हे भगवान, उसके पिताजी को कैसे पहचानूं? अगर मैंने पहचान भी लिया तो पूछेंगे कौन है तो क्या बताऊंगा? मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है, आइडिया, फोन करके पूछ लेता हूं। हेलो चमनपुरी, मेरे पास एक आइडिया है, मानोगे? इतना सब कुछ होने के बाद भी? छी छी, मैं नहीं करूंगा भाई। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मेरे ही हाथ में हैं। यह सब करने के लिए तैयार हूं मैं। पुलाव वाला, पुलाव वाला, 40 रुपए का एक पैकेट। भाई माजी पुलाव चाहिए क्या? गर्मा गर्म पुलाव वाला, गर्मा गर्म पुलाव वाला। सुनो पुलाव वाले, पुलाव वाला, पैकेट कितने का है? 40 रुपए का है सर। 40 में क्या बचता होगा, तुम ये 50 रख लो। धंधा जबरदस्त लगता है। गर्मा गर्म पुलाव वाला, एक पैकेट मुझे भी दो। 40 रुपए ना? गर्मा गर्म पुलाव वाला। सुनो भाई, कैसे दिए पुलाव? 40 रुपए का, लेकिन प्लेटफॉर्म पे तो 30 रुपए में बिक रहा था। अच्छा तो वहीं से खरीद लो। गर्मा गर्म पुलाव वाला, मसालेदार पुलाव वाला। चमनपुरी को पूछ लेता हूँ। भाई अब कौन सा गाना बजा? भाई बकवास बंद कर और मेरी बात सुन, पिताजी को खाने का पैकेट दे दिया ना? नहीं दिया, आपके पिताजी 40 रुपए का माल 30 रुपए में मांग रहे थे, कैसे देता? अरे तो उनको 30 रुपए में दे देना चाहिए था ना। रात के 10 बज चुके हैं भाई, जो कुछ मिले उसे चुपचाप खरीद के खा लेना चाहिए, भाव ताव नहीं करना चाहिए। ये क्या फिजूल की बातें कर रहे हो तुम पिताजी को पैकेट दोगे या नहीं? मैं घाटे का धंधा नहीं करता, मैं नहीं दूंगा। क्या बात है बेटा, डिग्री में 5 सब्जेक्ट्स में फेल हो चुका है। इंटर में जिस लड़की से प्यार किया, डिग्री में उसने टांग अड़ा दी, लव के साथ साथ डिग्री में भी फेल हो गया भाई। लेकिन इसे फाड़ने में मैं फेल नहीं हूँगा, समझा? तुम फिर से शुरू हो गए। साहब ये लीजिए, 30 रुपए दे दीजिए। नहीं चाहिए, प्लेटफॉर्म पे खरीद लेंगे। गुस्सा छोड़िए साहब, 20 रुपए दे दीजिए। नहीं चाहिए साहब। साहब साहब साहब, लास्ट 10 रुपए में ले लीजिए। नहीं चाहिए बोला ना। आप ऐसे नहीं मानेंगे, इसे फ्री में ही रख लीजिए। दिमाग खराब हो गया तेरा, जो मुझसे पागलों की तरफ बदतमीजी कर रहा है, इडियट। मेरा मतलब वो नहीं था साहब, ऑलरेडी आपके बेटे ने इस पैकेट के 40 रुपए पहले ही दे दिए थे। अम्मा क्यों रे, जब पहले ही तू पैसा ले चुका है तो फिर हमसे पैसा क्यों मांग रहा था? फिर दिखाई दिया ना, मसल कर रख दूंगा। चाचा करवा कर पुलाव वाला। ओ इसलिए वो मॉर्निंग में उसे पुलाव वाला बोला तो पागलों के चिल्लाने लगा था। हाँ देखा था मैंने, तुझे मारा भी था। मारा था? आखिर मामला संभाल लिया तुमने, अब बस स्टेशन से ट्रेन पकड़ना बाकी है। ट्रेन पकड़ना क्या भाई, ऑलरेडी आप ट्रेन में, ऐसा समझो आप आराम से सो जाओ, मैं मस्त मस्त गाने लगाता हूँ। थैंक्स एनी। ये स्टेशन क्यों नहीं पकड़ रहा, दूसरे स्टेशन को लगाता हूँ। अरे एनी, कुछ सुना तूने? मैंने कुछ नहीं सुना भाई, रेडियो में कुछ गड़बड़ है इसलिए स्टेशन पकड़ नहीं रहा, ट्राई तो कर रहा हूँ। अरे बेवड़े कहीं के, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, परवाह का तू मुझे। हमारी गाड़ी के पीछे ये पुलिस की गाड़ी क्यों है? अब क्या हुआ? गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, रोक गाड़ी। क्या हुआ भाई? अरे फसवा दिया तूने, कहीं का नहीं छोड़ा। पुलिस की गाड़ी है? तुझे दिखाई नहीं देता तेरी, ये पुलिस की गाड़ी है। ओके ओके बोलता है,
गाड़ी किसके पूछा तो बोलता है रिश्तेदार की है। पागल है, पागल, पागल है क्या? पुलिस को हम मामू बोलते हैं ना, मामू का मतलब रिश्तेदार ही होता है। रुको रुको, वो रही गाड़ी, चल भाग यहाँ से। रुको थोड़ी, मुझे मार दे। टेंशन में भी तू दारू पिएगा? ये रुक जाओ, खड़े होकर कोई पी सकता है? दौड़ते हुए पीने वाला असली मर्द होता है। सही बोला, चल भाग। रुको 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 रुको, यही अपनी गाड़ी रे। अरे वो भाग रहे, पकड़ो। अरे बाप रे, ये कविताओं का देवता तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा भाई है। क्या कर रहे हो? अरे कितनी तेज लगी यार मुझे। आप लोगों के पास भी टिकट नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। चुप रहो, गया क्या? अरे भाई भाई, दौड़ो दौड़ो, तेज दौड़ो, ट्रेन में बैठा देता हूं। ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, दौड़ो, ट्रेन पकड़ो, आ जाओ। यानी भाई बोला था ना, ट्रेन में बिठा दूंगा, वादा पूरा किया असली मर्द हूं। पहुंचते ना मुझे फोन करना है। ए, ट्रेन में मुझे बैठना है, तुझे नहीं। तू ट्रेन पे क्यों चढ़ गया? आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। फोन पे हम लोग बाद में बात कर लेंगे। हैप्पी जर्नी। सर 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 सर, प्लीज सर, दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर आना है सर। यहाँ सीट खाली नहीं है, आगे देखो बेटा। मेरे बनाए परिवार के अनुशासन के मुताबिक तुम्हारी 100 गलतियां पूरी हो चुकी हैं, इसलिए संदीप नाम के इस मुजरिम को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बहिष्कार करने का निर्णय लिया जाता है। सर कहां ले जा रहे हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि पुलिस की गाड़ी ही चुरा ली, अब खातिरदारी के लिए शाद नगर पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा हूँ। शाद नगर वापस पीछे? सर 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 सर, पीछे क्यों ले जा रहे हो? कर्नूल ले चलिए ना सर। ए, तू जहाँ बोलेगा ये जीप वहाँ जाएगी। तूने क्या बस समझ रखी है? अब तू चुपचाप बता दे, तेरे साथ और कितने लोग हैं इस टीम में? टीम? मैं किसी टीम में नहीं हूँ सर, ये सब तो उस बेवड़े की करामात है सर। वो मेरी ड्रिंक को घटिया दारू बोला था ना, अब जब तक वो मुझे नहीं मिलता तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। सर 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 सर, मुझे माफ कर दीजिए। पुलिस वाला हूँ। अरे बचो। सर सर आप ठीक तो है ना सर? मैं ठीक हूँ। अरे ये कहाँ गया? अरे वाह गुरु, गाड़ी रुको, ऐसे चला जाता है क्या? आजा आजा, तेरा ही इंतजार है। तिरुपति की टिकट दीजिए। ऐसे नहीं चलना चाहिए। हाँ थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मुझे बैठने दीजिए ना प्लीज। बैठी रहो तुम। हेलो, दो लोगों की सीट पर तीन लोग नहीं बैठ सकते, आगे देखो खाली होगी सीट। मेरी बात सुनो ना। लगता है तुझमें कॉमन सेंस नहीं है। पैर नीचे रखो, मुझे बैठना है। 400 रुपए ऑटो की, तुम्हारी वजह से ट्रेन मिस हो गई उसके 600, और बस की सीट के लिए 600 रुपए। चुपचाप 1600 रुपए मेरे हाथ पर रखो, वरना कंडक्टर से कहूंगी कि बस पुलिस स्टेशन ले ले। हाँ उन्हीं से बच के आया हूँ, वापस पुलिस नहीं बाबा, नेक्स्ट स्टॉप आते ही दे दूंगा जी। हा? आप बैठने दीजिए। मैं विश्वास नहीं करती, तुम जैसे लड़के मुंह खोलते ही झूठ बोलने लगते हैं। बोलो माँ, ट्रेन में आराम से जा रही हूँ ना। लड़कियाँ सच बोलती हैं। कहीं भी शुरू हो जाते हो, लाइट तो ऑफ होने दो ना। लाइट से क्या फर्क पड़ेगा, सब लोग देख रहे हैं ना। हेलो कंडक्टर, लाइट ऑफ करवा दीजिए, यहाँ बहुत काम करना है। सुनिए, मेरे पास जो बैठा है ना वो पक्का चोर है, अगर लाइट ऑफ हुई ना तो पूरी बस को साफ कर देगा। बस साफ हुई तो बहुत मजा आएगा, क्या बोलती हो तुम? हमें बहुत काम करना है। छी, अब क्या करूं? हेलो कंडक्टर, लाइट बंद करो ना यार, सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। सुन, मुझे नींद नहीं आ रही है, नेक्स्ट स्टेशन पे कॉफी मिलेगी भेजना। हाँ कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, फिल्टर कॉफी, फिल्टर कॉफी, फिल्टर कॉफी, कॉफी फिल्टर कॉफी, फिल्टर कॉफी। और ये मेरे बाल हैं। और ये मेरी नाक। और ये मेरे होंठ। और ये मेरी गर्दन। ए!
पीछे की आवाज सुनकर एक्साइटेड हो गए क्या? हाँ? तुम लड़के अपने आप को समझते क्या हो? जहाँ कोई अकेली लड़की दिखी नहीं कि तुम लोग छेड़ना शुरू कर देते हो। तुझ जैसी लड़की को मुझे छेड़ने पटाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो खिड़की खोलने जा रहा था। अरे वाह, स्टेज के बिना तुम नाटक बहुत अच्छा कर लेते हो। उठो यहाँ से, उठो यहाँ से। क्या हुआ? अब तुम यहाँ एक मिनट भी नहीं बैठ सकते। उठो, उठो यहाँ। आउट, आउट। ए, इस बस से मुझे निकालने वाली तू कौन? ये बस तेरे दादा परदादा की नहीं है। तूने मेरे दादा का नाम लिया? सर, पहले इस चोर को बस से बाहर निकालिए, ये वीरप्पन से भी ज्यादा खतरनाक है। बस से निकलने वाला नहीं हूँ, पैसा देकर टिकट लिया है मैंने, बस से मुझे कोई उतार नहीं सकता। इसे नीचे उतारिए सर। मैं नहीं उतरूंगा, चल हट। आप इसे उतारेंगे या नहीं? मैं नहीं उतरूंगा। उतारिए इसे प्लीज। फेंक देता हूँ। पहले तो 1600 थे, अब ये 600 कहाँ से बढ़ गए? तब तिरुपति जाने के लिए टिकट के पैसे कौन देगा? तुम दोगे। सामने एटीएम है, अभी निकाल के लाता हूँ, पनौती तो टलेगी। ए, मुझे पनौती कहा, मार डालूंगी। बाहर निकल, अरे बाहर निकल, बाहर निकल। ए, रुक जाओ। क्या कर रहे हो तुम? एटीएम तोड़ दोगे क्या? किसी ने देख लिया तो तुम्हारे साथ मुझे भी जेल में डाल देगा। थोड़ी देर चुप रहो प्लीज, अंदर से ना तो कार्ड आ रहा है ना कैश। कार्ड का मतलब विजिटिंग कार्ड नहीं होता है बच्चे? एटीएम नाम का एक कार्ड होता है, उससे वहाँ डालना होता है। मैंने विजिटिंग कार्ड नहीं, एटीएम कार्ड ही डाला है। ए, अगर कार्ड डाला होता तो पैसे क्यों नहीं आ रहे? ये आदमी नहीं, ये मशीन है जो गलती करेगा, ये कंप्यूटर मशीन है। अच्छा, तो तू डाल कर देख ले। अगर मेरा कार्ड डालने के बाद पैसे निकले ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हूँ, अरे मेरी बात का यकीन करो। नहीं नहीं, पछताओगी। नहीं 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 नहीं, बज गई बैंड। हेलो, माल निकला क्या? तुम उधर देखोगे प्लीज, या मैं पासवर्ड डाल रही हूँ। मरो मुझे क्या। सॉरी। तुमने जब मुझे चोर बोला मुझे कितना बुरा लगा जानती हो? बचपन में चोर पुलिस के खेल में जब मैं चोर बनता तो खेल छोड़कर वापस घर चला जाता था। I hate चोर यार। तुम्हें मेरी बातों का इतना बुरा लगेगा मैंने सोचा नहीं था। I'm sorry। नहीं नहीं, मैंने भी आपको सताया है, इसलिए आपका रास्ता वो, मेरा रास्ता ये। सुनिए जी, स्टेशन चलेंगे क्या? 3000 होगा, चलोगे क्या? लगता है एक्टिंग काम कर गई। ठीक है, यहाँ से हमें टैक्सी लेकर जाना होगा। लेकिन वो पैसा तो तुम्हें दान पेटी में डालना है, मेरे लिए क्यों खर्च कर रही हो? रहने दीजिए, मत कीजिए। ओ, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। चलो तुम्हारे साथ बैठू? आओ बैठो। देखा तुमने, एक एटीएम कार्ड ने हमारी दूरियां नजदीकियों में बदल दी ना। ए, दूर, दूर बैठो, दूर। अचानक क्या हो गया तुम्हें? अभी तक तो सब ठीक था। क्या कह रहे थे? आपका रास्ता वो है और मेरा रास्ता इस तरफ है। गोल गोल बातें करके नाटक कर रहे थे ना। हा? लगता है समझ गई। प्रार्थना नाम है मेरा, स्टेशन पहुँचते ही किससे मांगोगे, क्या करोगे, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरा पैसा मुझे चाहिए, इसलिए बोल रहा था अपने रास्ते अलग अलग है। सुनो ड्राइवर, गाड़ी रोको, मैं यही उतरता हूँ। हेलो, Excuse me। अरे, बिल्कुल इसी तरह डिजाइन की हुई है अंगूठी, मेरे पास भी है। डिजाइन सेम इसलिए है क्योंकि अंगूठी तुम्हारी ही है। अरे बाप रे, तुमने कब चुराई? थोड़ी देर पहले जब तुम्हारा हाथ पकड़ा था। सुनिए 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 सुनिए, ये मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट दी थी, अगर अंगूठी हाथ में नहीं दिखी तो मेरा हाथ काट डालेंगे, प्लीज दे दीजिए ना। ओह, इतना डरने की जरूरत नहीं है, वहाँ मेरा पैसा देना, ये ले लेना। कहाँ मिल गई यार, ये तो मारवाड़ी की भी नानी है। फोन उठा ले, क्यों टाइम पास कर रहा है? मोबाइल बज रहा है, उठाता क्यों नहीं?
अरे चुपचाप सो जा, वहाँ अच्छा गाना बज रहा होगा, चुपचाप सो जा। पागल कहीं का मर जा, चुपचाप सो जा। स्विच ऑफ। आज तो मेरी तकदीर ही खराब है। क्या हुआ? कुछ नहीं, अपना फोन दोगी मुझे? ट्रेन कहाँ पहुंची पूछना है। तुम्हारा भी तो फोन है। बैटरी खत्म हो गई है, तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? हेलो हेलो चमनपुरी, हेलो हेलो। अभी तक का हिसाब बना है 5,200 रुपए। अचानक में ये 1 रुपए कहाँ से आ गया? अभी जो कॉल किया उसका 1 रुपया। जरूर किसी कंजूस मक्खी चूस की औलाद है। हेलो 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 हेलो। ए हेलो, फोन संभालना, महंगा हैंडसेट है। हेलो, एक बार कोई चीज संदीप के हाथ में आ जाए ना तो उसका निकलना नामुमकिन है। हाँ, पागल। सुनिए, महंगा मोबाइल मतलब 10-15 हजार का तो होगा ही ना? 10-15 हजार का होता तो महंगा क्यों कहती, पूरे 30 हजार का मोबाइल है। फिर तो आज मुझे तुमको पूरे 35,201 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब? मतलब ए! इडियट, स्टुपिड। अम्मा, भगवान, इस डायन से अब मुझे तू ही बचा सकता है। पंचर हो गया मैडम। दूसरा टायर होगा, चेंज कर दूं? दूसरा नहीं है मैडम। छी, अब क्या करें? पास के गांव में पंचर बनाने वाला है मैडम, 4 किलोमीटर दूर। मैं साथ में चलता हूँ। तुम कहीं नहीं जा सकते, यहीं रुको। तुम जाओ। कार छोड़कर मैं नहीं जा सकता जी। कोई बात नहीं है, मैं चला जाता हूँ ना। तुम जाओगे तो वापस नहीं आओगे। तुम सुनती क्यों नहीं? किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ेगा ना। टायर दो, मैं जाता हूँ। हेलो, वापस नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा। आऊंगा, डन। चमनपुरी, चमन बॉस उठ जाइए, ये मेरी सीट है। चमनपुरी, ये तुम्हारी नहीं है, मेरी सीट है। पिछले 5 घंटे से मैं यहीं सो रहा हूँ। बॉस, मैं कहीं फंस गया था इसलिए अभी आया हूँ। अपनी सीट पर जाकर सो। चमनपुरी, ये मेरी सीट है, मुझे सोने दो ना। बॉस, कितनी बार बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? चलो उठो, अपना टिकट दिखाओ। मान नहीं रहे। चमनपुरी, ये लो। चमनपुरी, वेंकटदरी एक्सप्रेस S4। ये क्या देख रहा है? S4 सीट नंबर 19। ये कैसे हो सकते हैं दोनों 19? सुनिए, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम सब तो हैदराबाद से तिरुपति जा रहे हो ना, फिर टकले होने के लिए इतने उतावले क्यों? ये हैदराबाद से तिरुपति नहीं जा रही है, ये तिरुपति से हैदराबाद जाने वाली वेंकटदरी एक्सप्रेस है बेटा। गोविंदा, गो, गोविंदा। ये सॉरी बॉस, जाइए, स्वीट ड्रीम्स हो जाइए, स्वीट ड्रीम्स। सॉरी बॉस। ठीक है ठीक है। ए, वो ट्रेन हमारी नहीं है, ये ट्रेन हमारी है। इधर आओ भाई, जल्दी आओ, ये हमारी ट्रेन है, जल्दी आओ, चल चुके हैं, पकड़ लो, जल्दी आओ। जल्दी आओ। आ जाओ, जल्दी आओ। मेरा हाथ पकड़ो, जल्दी आओ, जल्दी करो। अरे पकड़ना, हाथ पकड़ो। ओहो, इसका मतलब वहां तुमने ट्रेन पकड़ ली होगी। मतलब वहां भी ट्रेन नहीं पकड़ पाया तू?
तो फिर पकड़ी कहाँ से? वो क्या है, रात बहुत हो गई थी, खाना भी नहीं मिला, बताने के लिए शरीर में जान भी नहीं बची थी, इसलिए वहीं रुका। कहीं रुककर चाय पीते हुए बात करें? ड्राइवर, किसी चाय की दुकान पर रोक दो। अब तो ये बता, वहां बैठ क्यों नहीं पाया और आगे क्या हुआ? भाई भाई जल्दी आओ, आओ आओ जल्दी आओ, जल्दी से हाथ पकड़ो, जल्दी आओ, नहीं पकड़ता। अरे क्या हुआ, हाथ दे मुझे। मेरा बैग कहाँ है? बैग? मेरे बैग के बिना आप इस ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, जाओ। पहले मेरा बैग लेकर आओ। भाई वो बैग लेकर आ रहे हैं भाई, अब आइए भाई। मैडम तेल तोड़िए, मैडम जल्दी आइए, मैडम तेल तोड़िए, जल्दी कीजिए। अरे कोई भाई, तेल तोड़िए, मैडम जल्दी आइए। सुना है तू ट्रेन से भाग नहीं सकता। ए, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, मेरा जाना जरूरी है, छोड़ो मुझे, ट्रेन जा रही है, छोड़ दो मुझे। एक और तू क्या, अकल नहीं है तुम्हें? कल मेरे भाई की शादी है, अगर मैं नहीं पहुंचा तो जानती हो क्या होगा? कल तुम तिरुपति दान नहीं करोगी तो कुछ नहीं होने वाला, सुबह उठोगी, ऑफिस जाओगी और फिर घर आ जाओगी, लेकिन मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी, मैं अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाऊंगा। वैसे ये सब मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं, तुम कौन हो मेरी? जाओ। मैं कौन हूं बोला? तुम यहां तक पहुंचे हो किसकी वजह से जानते हो? नहीं जानते ना? एक अकेली लड़की को आधी रात में अकेला छोड़कर भाग रहे थे तुम, और इसी को मर्दानगी कहते हो? ये लो अपनी अंगूठी और ये अपना बैग। जब तक तुम्हें यकीन नहीं होता ये गांठ मत खोलना। तुम्हें तिरुपति ले जाकर दान पेटी में दान डलवाना अब मेरी जिम्मेदारी है, अब ठीक है? अरे सॉरी बाबा। और सुनो, तुम्हारा 35,000 रुपया भी लौटा दूंगा, अब तो ठीक है? 35,000 नहीं, अब पूरे 40,000 हो गए। हाँ? ए, ये तो चीटिंग है, इन आंसुओं के 5,000 वसूलोगी क्या मुझसे? हाँ? उस टैक्सी वाले ने उस पहिए के पूरे 5,000 लिए। प्रार्थना हूँ, एक एक रुपए का हिसाब रखती हूँ, लेकिन तुमने उस पर ये का क्या किया? हमें लेट हो रहा है, अब तुम चलो। सुनो, हाँ? मुझे ड्रेस चेंज करना है। अभी? तो क्या ऐसे ही चलूं मैं? यहीं बैठा हूँ मेरी माँ। ठीक है, अब गाना गाते रहो। गाना गाता रहूं? वो क्यों? तुम बाहर बैठे हो, मुझे पता कैसे चलेगा, इसलिए। अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, हाथ बांधा तो है। अब तुम गाना गाते हो या नहीं? क्या ये, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी प्यारी। बड़ी आई गाना गवाने वाली। अरे आ
आंखें सेक ली हो तो अब चले यहाँ से। ओके। सुनो, अक्सर मैं बहुत बिजी रहता हूँ, सब कविता से दूर होते जा रहे हैं। सुबह उठते ही लोग भाग दौड़ भागे जा रहे हैं। छे, असल में कविता तो हमारे साहित्य में छिपी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानां धर्मस्य संभवामि युगे युगे। तुम सब की समझ में आया, जो कविता सुनाएगा वो सच्चा कवि कहलाएगा। कविता की पूजा करूं मैं। हाँ, तो अब कौन कविता सुनाएगा? मैं बताऊं सर? हाँ, सुना सुना सुना। रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म में अनिल कपूर ऐसे ही दुश्मन को चैलेंज करता है सर। तेरी, इसीलिए तुम बिना टिकट ट्रेन में चोरों की तरह सफर करते हो। रूप की रानी चोरों के राजे के अलावा और कुछ पता नहीं तुम्हें? मैं महाभारत की बात कर रहा हूँ। बाप रे, ये महाभारत के नाम पर कुरुक्षेत्र की रचना कर रहा है। एए, एक एक की हड्डी पसली तोड़ कर रख दूंगा। साहित्य में किसी ने गलती की तो हत्या करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, नेक्स्ट, तू क्या करता है? हम तो भेल बेचता हूँ सर। एक अच्छी कविता सुना दे। कविता सुना सको, इतना पढ़ा लिखा कहाँ हूँ सर। वाल्मीकि कौन से पढ़े लिखे थे फिर भी रामायण की रचना की है? तुमको जो भी आता है वो मुझे सुनाओ। भेल ले लो, भेल ले लो, भेल ले लो रे, भेल ले लो, भेल ले लो, भेल ले लो रे, 10 रुपए का एक ले लो रे। कैसी लगी? तेरी तो कारी है, चुपट। अरे बाप रे, ये तो मार रहा है, पागल हो गया है क्या? चुपट। तुम क्या सुनाने वाले हो? कॉलेज में एक लड़की के लिए प्यार भरी कविता लिखा था, बंधन के चली बलखा थी कॉलेज में सर। कैसी लगी सर? अच्छी लगी। दूसरी सुना दे, अगर अच्छी लगी तो एसी कोच में फ्री बर्थ कंफर्म कर दूंगा। थैंक यू सर। एक सैड कविता सुनाता हूँ, पर बैड कविता नहीं है सर। हाँ हाँ। प्रिया, मेरा प्रेम कलिंगड़ है, कौवा चिल्लाया फूल खिला, तुमने दिल पर हाथ रखा तो सूझ गया, चिमटी काटी सहन कर गया, पालक की सब्जी घटिया बनाई फिर भी खा गया, तुम्हारी सारी गलतियां सुनकर भी भूल गया, तुम्हें कुछ बोला तो तुमने बहुत मारा फिर भी तेरे साथ रह रहा हूं। अपने आंसू पोंछे। ऐसी कविता मैंने पहली बार सुनी है रे। उसकी पूरी कविता सुनोगे ना सर तो आप खुशी से भांगड़ा करने लग जाएंगे। बहुत अच्छी कविता लगी। अरे पाखंडी, तूने जो बोला वो कविता नहीं थी, अब बोला तो बाथरूम में बंद कर दूंगा। सुनो चमनपुरी, अब तुम सुना दो। हाँ, आज साला कुत्ता का मौत मोरेगा। नहीं है दुनिया, नहीं है दुनिया, नहीं है दुनिया, आगे बढ़ो, उठते बैठते चलते फिरते सब लोगों से प्यार करो, अपने हृदय की धड़कन सुनकर आगे कदम बढ़ाते चलो, कभी न रुकना कभी न थकना, जीवन पथ पर ऐसे बढ़ो, कदम बढ़ाओ कदम बढ़ाओ, पीछे मत मुड़कर तुम देखो, चले चलो तुम, चले चलो तुम, यहाँ से कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, सब बढ़ाओ। अरे ये कहाँ चला गया? कदम बढ़ाते बढ़ाते खुद ही यहाँ से भाग गया। अरे जल्दी चलो। ए, हमें जाना कहाँ है? हा? हा? ए, हा? क्या कर रहे हो? थोड़ा पर्सनल काम है। हेलो, पर्सनल या ऑफिशियल, यही करना होगा। समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? कहाँ जा रहे हो? इसके लिए जा रहा हूँ, चलोगी? ओ, वहाँ तुम्हें अकेले ही जाना होगा। समझे। बैग मुझे दो। अरे बहुत मजा आ रहा है यार। ए, यहाँ अकेला रहना ठीक नहीं है। हेलो, प्रार्थना हूँ मैं, अपने शहर में बड़े बड़े गुंडों को चाय पिला दी है इस प्रार्थना ने। हे भगवान, तुम जाकर आओ, जाओ। ए, अरे, ए, क्या हुआ? कुत्ता। वहां तो तुम खड़ी बड़ी बड़ी डिंगे मार रही थी। मतलब मैं गुंडों से तो निपट सकती हूँ, लेकिन कुत्तों से मुझे बहुत डर लगता है। अच्छी बात है, अगर तुम यहाँ से जाओगी तो मैं थोड़ा हल्का हो जाऊँ। ओके ओके, ठीक है, ऑन टाइम। थैंक यू। वो कुत्ता बहुत ही खतरनाक लग रहा था। कुत्तों से जितना डरती है, काश थोड़ा मुझसे भी डरती तो अच्छा होता। प्रार्थना, 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 प्रार्थना।
प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। किया तो जान से मार दूंगा। वेंकटदरी एक्सप्रेस आई क्या? मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ, ट्रेन लेट है। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे बाप रे। बचपन में तुम्हारी बहन भूख से रो रही होगी, तब तुम्हारे पास पैसा ना होने की वजह से यही सोच रहे होगे ना कि क्या करूं, और तब तुमने पहली बार दूध का डिब्बा चुराया होगा। उसके बाद वही आदत आज तुम्हारी प्रोफेशनल चोर की बन चुकी है। Am I correct? तुम फिल्में ज्यादा देखती हो क्या? पता चलता है। हाँ, दूध के डिब्बे से भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में। क्या है? बताया क्यों नहीं मुझे? इसलिए नहीं बताया कि अंगूठी की तरह तुम मंगलसूत्र भी ढाप कर रख लोगी। मैं तुम्हें इस तरह की लड़की लगती हूँ क्या? कोई शक है क्या? मजाक कर रहा था। ये सब छोड़ो, तुम्हें मेरे भाई की शादी में आना है। शादी के बाद पहला काम करूंगा तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दूंगा, फिर तुम अपनी मन्नत पूरी कर लेना। ये प्रार्थना इतनी भी बुरी नहीं है। क्या हुआ? तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। यात्रियों के लिए विशेष सूच।
सोचना। अपरिचित व्यक्ति से खाने की कोई भी चीज ना ले और ना उसे खाए, क्योंकि उसमें नशे की चीज भी मिली हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद। रुको संदीप, संदीप पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, अब वापस किसी के झगड़े में पड़कर रिस्क मत लो प्लीज। अरे वो लोग उसे मार डालेंगे। मरे या मर जाए हमें क्या, तुम्हारा तिरुपति पहुंचना इस वक्त बहुत जरूरी है। मैं किसी को इस तरह पिटते नहीं देख सकता, ये मेरी मजबूरी है, उसे बचाना होगा। संदीप, संदीप भाई, भाई 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 रुकिए भाई, अरे छोड़ दीजिए ना भाई, भाई क्या कर रहे हो भाई, छोड़ दीजिए ना भाई, अरे छोड़ दीजिए ना भाई प्लीज भाई, हम बैठ के बात करते हैं ना। अब तक मैं क्या कर रहा था, इससे बात ही कर रहा था, हमारे यहाँ इसी तरह बात करते हैं, मारो इसे। भाई ये बात करने का कौन सा तरीका है? जिस तरह शहर बदलते ही भाषा बदल जाती है, उसी तरह हमारा तरीका भी। बात करने का तरीका मुझे भी सीखना पड़ेगा भाई। मुझे लगता है आप लोग ऐसे नहीं मानोगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तू इसके चक्कर में क्यों मरना चाहता है, चल निकल जा यहाँ से वरना तू भी मरेगा। निकल जाऊंगा भाई, इन दोनों को मिलवा कर चला जाऊंगा। बहुत बोल चुका है तू, यहाँ मेरा एक एक आदमी 100 शेर के समान है, चीर कर खा जाएंगे तुझे। क्या हुआ, गिन क्यों रहा है? मतलब अब 1670 हो गए। क्या है वो 1670? कुछ नहीं, परसों पेपर में पढ़ा था हमारे भारत देश में 1663 ही शेर बचे हैं, अभी पता चला आप सबको मिलाकर 1670 शेर हो गए। शेर के सामने तुम जैसे जानवर दुम दबाकर खड़े रहना चाहिए, हिलोगे तो शेर का भोजन बन जाओगे। साइलेंट रहने वाला हर जानवर साधु नहीं होता, ये जान ले तू, मुझसे दूर ही रहना। अच्छा तो आज तुझे बताते हैं साधु और शैतान की ताकत। प्रार्थना, प्रार्थना, बैग फेंको इधर। कैच फास्ट। इसमें क्या है? हमें आगे जाना है, आप लिफ्ट देंगे? मैं तुम्हें लिफ्ट दूंगा, तुम एक्शन दिखाओगे? एक्शन ही ना, मेरी जिंदगी एक्शन से भरपूर है, ऐसा एक्शन कहीं नहीं मिलेगा। ओह इज इट, कम ऑन गेट इन। चलिए चलिए, थैंक्स सर। सर बैठ जा। चलिए सर। बाय द वे कोच, आई एम बत्रा, मेरी प्रॉब्लम नींद है, रात को नींद आती नहीं, दिन में आंख खुलती नहीं, तुम्हारे लिए एक 10 मिनट जागा रहूंगा, फिर उसके बाद सो जाऊंगा। सर सर हमारे पीछे गुंडे पड़े हैं, हम मिले तो मार देंगे, और आप सोने की बात कर रहे हो? You mean chance? हाँ सर। Super plan. इतने दिन से ऐसे ही एक्शन का वेट कर रहा था। Yes, yes. Thrill is the dude. मुझे thrill चाहिए। इसके लिए मैंने अपनी गाड़ी में time bomb फिट किया है। Time bomb? हाँ। और 5 मिनट के बाद वो फटकर मेरी गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये क्या बोल रहे हो आप सर? तुम्हारी टेंशन मैं समझ सकता हूँ ब्रो। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर बॉम्ब नहीं फटा तो मुझे नो प्रॉब्लम। ऑलरेडी कार के ब्रेक निकाल दिए हैं। ब्रेक फेल वाला प्लान भी फेल हुआ तो डरने की कोई जरूरत नहीं, डिक्की में एक डेड बॉडी रखी है और आगे एक चेक पोस्ट आने वाला है और पुलिस पकड़ेगी तो थ्रिल ही थ्रिल होगा। सर, आप गाड़ी रोकिए, हम उतर जाते हैं। छोटा थ्रिल लाने के लिए झूठ बोला था डूड, रिलैक्स, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, प्लीज माई डूड, माई ब्रदर। वैसे तुम्हारी शर्ट पर ये क्या है? न्यू फैशन है क्या? आएगा फैशन, मारामारी में लग गई थी। यू मीन फाइट? फाइट में क्या हुआ, तुमने उन्हें कूटा या उन्होंने तुम्हें कूटा? संदीप ने उन्हें बैग से धो डाला, फिर क्या? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बैग से इतनी जोर की कैसे लग सकती है? सर फोन होगा तो जरा दीजिए ना।
नहीं है ना, नहीं तो जान निकल लेगा। ए, मैं संदीप बोल रहा हूँ। भाई आप कहाँ हो भाई, मेरा बैग कहाँ है? बैग मेरे पास है, उसमें तूने पत्थर क्यों रखा है? क्या है ना, अकेला घर से निकलना अशुभ होता है, इसीलिए बैग में पत्थर लेके निकलो तो सब शुभ होता है, स्वामी जी ने कहा है। पत्थर का मतलब छोटा सा, इतना बड़ा नहीं रखते। बड़ा पत्थर होगा तो बड़ी नौकरी मिलेगी ना भाई। अबे जल्दी चला, जल्दी। कम ऑन, बहुत चलिए सर, तेज चलिए, बोलो पीछे। ओके। सर सर जल्दी चलिए सर, सर प्लीज आप जल्दी चलिए ना सर, कम ऑन सर, और तेज भगाइए ना, कम ऑन, हे कम ऑन, कम ऑन गाइस, थ्रिल। सर क्या कर रहे हो? सर जागो सर, मरोगे क्या? संदीप मजा आ गया बेटा, बेहतरीन थ्रिल लेकर चले हो ब्रो। सर स्टीयरिंग संभालो सर, रुक जा। सर जल्दी चलिए सर, वरना वो हम दोनों को मार देंगे सर। सर इनकी शादी करवा देंगे तो सारा मामला ठीक हो जाएगा सर। ऐसा क्या? हाँ। शादी मतलब थ्रिल, अब तो मेरा एक्शन देखना। ए, तुम दोनों राजी हो ना? हाँ हाँ सर। आगे एक मंदिर है, वहीं लेकर चलता हूँ। ठीक है सर। रुक जा। याई। याई। सर यू आर ग्रेट सर, और तेज चलाइए। अरे कहाँ गए? तुम जाकर इनकी शादी करवा दो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। ठीक है सर, सर अपना ख्याल रखना। हाँ चलो जल्दी करो। टपोरी वहां नहीं, यहां हूं मैं। वापस चलो, चलो चलो, भाग पीछे पीछे गाड़ी के पीछे। पंडित जी। ओम श्री रामाय नमः, ओम रामभद्राय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम राजीवलोचनाय नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम राजेंद्राय नमः, ओम रघुपुंगवाय नमः, ओम जानकीवल्लभाय नमः, ओम जयित्राय नमः। जिलावे बेटा मंगलसूत्र दो। पंडित जी आपके पास हल्दी की गांठ भी नहीं है? रोज यहाँ पर बहुत शादियां होती है बेटा, हल्दी गांठ आज ही खत्म हुई है। अरे पागल हो गया क्या? तुझे अक्कल नहीं थी क्या? मेरा मंगलसूत्र तुमने उन दोनों को दे दिया। सिचुएशन डिमांड कर रही थी इसलिए देना पड़ा भैया। अब मैं अपनी होने वाली बीवी को क्या पहनाऊंगा? बोल मुझे, बता बता मुझे, बता बता। देखो ये कहां मिला तुझे? पहले बात तो सुना करो। साहब जी पहले इन्हें बताने दीजिए ना। सर, वो लोग कहाँ गए? उन गधों को जंगली इलाके में फंसा कर मैं यहाँ आ गया, अब वहाँ से वो कभी वापस नहीं आएंगे, वहीं फंसे रहेंगे सब। थैंक यू सर। वेलकम। इन्हें कहाँ रखना है जहाँ ये लोग सेफ रहें? मैं जानता हूँ, इन्हें गाड़ी में बैठने को बोलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नो प्रॉब्लम डूड, तुम्हें देख कर मुझे अपना बेटा याद आता है, वो हाल ही में एक बाइक रेस एक्सीडेंट में मर चुका है, उसकी याद में मैं इन सड़कों पर घूमता रहता हूं, ये गाड़ी भी मेरे बेटे की है। ओके यंग मैन, चलता हूं, फिर मिलेंगे। आज तिरुपति में जेकेटीएस में मेरे भाई की शादी है, आपको जरूर आना है सर। ओके सन, बाय बाय। हमने उनकी मदद नहीं की होती तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते, अब दोनों बिना टेंशन के हैप्पी जिंदगी जियेंगे।
तुम क्या सोच रही हो? वो दोनों तो अब हैप्पी ही रहेंगे, अब तुम क्या करोगे? अपना मंगलसूत्र तो तुमने उन्हें दे दिया, ट्रेन का भी कुछ पता नहीं, अब आगे क्या सोचा है तुमने? चाची जी, मेरे बच्चे, तू यहाँ? आप यहाँ कैसे? ये लॉरी अपनी है, तिरुपति में सीमेंट भरने के लिए जा रहा था, तू यहाँ कैसे? ये लड़की कौन है? चाचा जी, हाँ तिरुपति जा रहे ना, चलिए रास्ते में सब बताता हूँ। हाँ हाँ, चलो चलो आओ बैठो। क्या कहा, दोनों की शादी करवा दी? तो क्या करता चाचा जी, मेरी को समझ में नहीं आ रहा था, अपना मंगलसूत्र भी दे दिया, पिताजी को पता चला तो मार देंगे मुझे। बेटा वो जरा बैग खोल कर तो देखो। ए, कुछ याद आया? ये देखो, ये मंगलसूत्र खरीद कर रखा हुआ था मगर शादी नहीं कर पाया। I love you, चाचा जी। वैसे भी अबे मेरे किसी काम का नहीं है, कम से कम तेरे काम आ गया इसी में खुश हूं। बच गया। चाचा जी अपना मोबाइल तो दीजिए। ये लो बेटा। थैंक्स चाचा जी। मैंने उठा था। हाँ चमनपुरी, मैं संदीप, ट्रेन कहाँ पहुंची? भाई आप कहाँ है भाई, 10 मिनट में ट्रेन तिरुपति पहुंचने वाली है, मेरा बैग लेकर आइए और बैग के साथ साथ वो पत्थर भी, पत्थर लाना मत भूलिएगा भाई, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है लाता हूँ, तुम फोन रखो। अब क्या करेंगे चाचा जी, हमें 10 मिनट में तिरुपति स्टेशन पहुंचना होगा। 10 मिनट में पहुंचना मुश्किल है। चाचा जी, प्रार्थना को लेकर आप भैया की शादी में आ जाना। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है चाचा जी। चमनपुरी भाई आप आ गए, मेरा बैग भी ले आए। बाप रे क्या नाटक कर रहा है, जैसे सारी रात से यहीं सो रहा हो। मतलब हैदराबाद में जो तुमने ट्रेन मिस की थी वो यहाँ पर आकर पकड़ी तूने? यप। मैं सोचा तू तो मस्त सो रहा होगा, लेकिन तू तो पूरी रात दौड़ भाग में लगा रहा, ग्रेट एडवेंचर। मेरी तारीफ कर रहे हो जी, वो तो आप थे जो इतनी मेहनत की, आपकी जगह कोई दूसरा होता तो ये सब नहीं करता, ये बात तो बड़े साहब जी को पता ही नहीं चल सकती। सब कुछ तो ठीक हो गया मामा जी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर। अपना मुंह बंद कर, अब शकुनी कहीं के, हमेशा शक करता है। सुन, ये मंगलसूत्र मैं अपने पास रखता हूँ, फिर किसी को दे दिया तो कुंवारा रह जाऊंगा। भाई मुझे किसी ने तिरुपति लाके छोड़ दिया, वो कौन है? बाप रे, रुक रुक, करने यहाँ बैठा हूँ, कौन है मेरे सामने होना चाहिए। तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे किसी ने तिरुपति लाके छोड़ दिया, वो कौन है तुम बता सकते हो? और नहीं है तो खुद है, नशे में तुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं खुद हूँ, गाड़ी में बैठ, कोई बता क्यों? तू पहले गाड़ी में बैठना। अरे कमाल है, कोई बताता क्यों नहीं है? ड्राइवर आगे बढ़ो।
ए छोटे साले साहब। हाँ हाँ आ रहा हूँ जीजा। जल्दी आओ। बोलिए। लड़के वाले आने ही वाले हैं। हाँ। गाड़ी से उतरते ही उन लोगों का सारा ध्यान हाँ? खाने में ही होना चाहिए। ऐसे ऐसे पकवान बनवाओ कि वो लोग देखकर ही दंग रह जाएं। आप देखना जीजा जी, तरह तरह के पकवान बनवाऊंगा। ऐसा हलवाई लाऊंगा कि वो लोग दुल्हन की जगह हलवाई ले जाएंगे। अरे पागल कहीं के, वो लोग हमारी बेटी को लेने आ रहे हैं, किसी हलवाई को लेने नहीं आ रहे हैं। ठीक है जीजा, खाना अच्छा होना चाहिए ना। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। अरे जाना, तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? उन लोगों को फोन करके पूछ कहाँ तक पहुँचे। जा निकल जल्दी, जा जा। कंट्रोल रखो भैया। आइए आइए समझे जी, कोई तकलीफ नहीं होने दी ना हमारे आदमियों ने। हाँ कोई तकलीफ नहीं होने दी, आपकी सारी तैयारी हो चुकी है ना। क्या हुआ, आप टेंशन में लग रहे हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है समझे जी, लड़की वाला हूँ, टेंशन तो होगा ही। आइए 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 जीजा, हमारे आदमियों ने मोर की हत्या कर दी, अब बताओ क्या करना है? ये मोर की क्या बात? ऐसी कोई बात नहीं है समझे जी, अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में कुछ बता रहा था। आप फालतू बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप अंदर चलिए अंदर चलिए। अरे नालायक, अगर ये बात किसी को पता चल गई तो पुलिस हमारा आचार बना डालेगी, तू जाकर उसे मैनेज कर। चलिए चलिए आइए, चलिए चलिए। नमस्ते नमस्ते दामाद जी। ये क्या, बहुत दुबले हो गए हैं, जाइए जाइए। नमस्ते नमस्ते। बहन जी ये लड़का कौन है? ये मेरा छोटा बेटा संदीप। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते, उस दिन सगाई में दिखाई नहीं दिया था ना, इसीलिए पूछ लिया। आइए 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 आइए, तू यहाँ क्या कर रही है? चल अंदर जा। मामा जी मुझे कुछ डाउट सा हो रहा है। वो क्या है? आपकी शादी होगी ऐसा आप एक्सेप्ट कर रहे हो क्या? एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसीलिए तो यहाँ बैठा हूँ। पर तू बता, तुझे डाउट क्यों हो रहा है? कुछ तो बात है मामा जी, बाद में बताऊंगा। सुन 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 सुन, मुझे टेंशन दे करके तू कहाँ भाग रहा है? भाई भाई भाई, कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, अभी मिले हो? अर्जेंटली आपको एक बात बताना है। बोल। आप 100 रुपए दो तो एक पौवा चढ़ा के अभी आता हूँ। शादी में कोई पीता है क्या? चुपचाप खाना खा ले। आप दोगे या नहीं? नहीं दूंगा, सुबह पिएगा तो तेरे खानदान की नाक कट जाएगी। ये खानदान कहाँ से आया? खानदान कहाँ से आया? ए, रात को तू खानदान इज्जत वादा निभाने की क्या क्या बात कर रहा था, याद नहीं? अपनी जिंदगी में पहली बार खानदान का नाम सुन रहा हूँ, दारू पी लूं तो शायद याद आ जाए। आप फटाफट 100 रुपए दो। ठीक है, तुझे एक सीक्रेट बताऊं क्या? मेरे पॉकेट में एक फूटी कौड़ी नहीं है। आपके पास पैसा नहीं तो क्या हुआ, यहाँ इतने सारे लोग पौवा चढ़ा के रहूंगा, देख लेना। रुक रुक रुक, संदीप ये ना इधर आ, जरा इधर आ। बोलो। कुछ ही देर में मेरा सपना पूरा होने वाला है। हा? मैं चाहता हूँ मेरी शादी के तू अपने कैमरे से डिफरेंट डिफरेंट एंगल से मेरे और उसके फोटो खींच, समझ गया ना? अब जा। ठीक है भैया। हेलो। ए हेलो, क्या करता है, पूछ मिला कि नहीं? जीजा जीजा बात करता हूँ। बिरयानी के लिए 10 लाख निकालो। जरा पकड़। मुर्गी की बिरयानी के 10 लाख लगते हैं क्या? बिरयानी बोला लेकिन मुर्गी की नहीं बोला मैं। क्या बोला? हाथी की बिरयानी। हाँ? ये हाथी के बारे में क्या बोल रहा था समधी जी? वो कुछ नहीं कह रहा था समधी जी, दूल्हे राजा को हाथी पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाएगा बोल रहा था, पागल कहीं का। अक्कल है तुम्हें अपनी शहनशाही दिखाने के? तुम लोग एक जानवर पे अत्याचार करोगे, ऐसा कुछ भी किया तुम लोगों ने तो पुलिस में कंप्लेन करवा दूंगा, ध्यान रखना। अरे नालायक, वो तो मैंने हाथी की सवारी बोलकर सब कुछ संभाल लिया, वरना तेरी बात सुनकर वो कंप्लेन कर देता। गधा कहीं का, जा यहाँ से, जल्दी जा, जाकर मैनेज कर, जा जल्दी। तुम कब आने वाले हो? हेलो मैडम, मुझे 100 रुपए दोगे क्या? ओह ये तो महिला है, गलत बात है, आप क्या करो? कोई दारू पी के घूम रहे हैं। हेलो बॉस, 100 प्लीज। ए पागल हो गया क्या, चल निकल। तुमसे तुम्हारी जायदाद मांग ली क्या? सिर्फ 100 रुपए तो मांगा था, इस कंजूस से पैसा मांगे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सॉरी सॉरी सॉरी, देखा नहीं था, सॉरी। इस शादी में बड़े आदमी आप ही लगते हो, 100 रुपए दोगे क्या मुझे? तुम कौन हो और मैं तुम्हें 100 रुपए क्यों दूं? और शादी में दारू पी के झगड़ा कर रहे हो, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? 100 रुपए के लिए मुझे इतना सुना, खुद को क्या यहाँ का मुखिया समझता है? अपनी बकवास बंद करो और ये बता तू यहाँ किसकी तरफ से आया है? मतलब किसकी तरफ से आया हूँ बताऊंगा तो आप मुझे 100 रुपए दोगे? ठीक है मैं अभी बताता हूँ किसकी तरफ से आया हूँ, रुको वहाँ देखो। हेलो भाई, इधर भाई, एक मिनट इधर आओ ना। अब क्या किया इसने? वो आ रहा देखो। क्या हुआ पिताजी? ये मुझे बोल रहा है कि तुम इसको जानते हो और 100 रुपए सबसे मांगता फिर रहा है, बताओ। हाँ
बताता हूँ, इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा पिताजी। आर यू श्योर? सच में पिताजी, ये अपने सगे वाले हैं? हाय संदीप। अरे रे 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 बाप रे, क्या एक्टिंग कर दो तुम भाई, ऑस्कर अवार्ड तुम्हें जरूर मिलेगा, तुम मुझे नहीं पहचानते। पिताजी ये नशे की धुन में पागल कुछ भी बोल रहा है, तुम जाके अपना काम करो। जी पिताजी। भाग ले संदीप। इधर मैं नहीं पागल हूँ, सब पागल है, तू भी पागल है, ये भी पागल है। जुबान को लगाम दे, फिर मुझे दिखाई दिया तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा, चल जा यहाँ से। तुम बहुत ही कड़ूस हो। हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ, मिला कि नहीं? पूछ रहा हूँ ना जीजा। अरे तो लगाते रहना। हेलो हेलो जीजा। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। हमें उस कृष्णा की फैमिली को 5 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे। हम उसे 5 लाख क्यों देंगे रे? उस कृष्णा को शेर लाने के लिए हमने बोला था तो हम ही देंगे ना। तो तूने उसे शेर लाने के लिए क्यों कहा था? शेर के मटन का पुलाव बनाना था, लेकिन वो शेर का खुद ही शिकार हो गया। शेर के मटन का पुलाव बनवाने वाला था। मैंने तुझे काम देखो, तेरा हल हो गया बाहर में, ना तुझे लाइन मिलेगी ना तुझे वो मिलेगा। तू नालायक, मुझे ही कुछ करना होगा। देखो, यहाँ मेरे भाई की शादी है, यहाँ झगड़ा नहीं चाहिए। लड़की कहाँ है? मुझे 10 मिनट का टाइम दो, लड़की ला कर दे दूंगा। अंदर चलकर बात करते हैं, फॉलो मी। संदीप ये क्या कह रहे हो तुम? उन्हें वापस देने के लिए उनकी शादी करवाई थी। तुम चुप नहीं रह सकती क्या? किसी और के लिए मैं अपने भाई की शादी खराब नहीं कर सकता। तुम बीच में ना बोलो तो अच्छा है। तुम चलो मेरे साथ। चलो बॉस। लेकिन संदीप, 10 मिनट में लड़की यहाँ होनी चाहिए। संदीप तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें कुछ पता भी है? अगर उस लड़की को इन्हें सौंप दिया तो ये उसे मार डालेंगे। मारे या नहीं मारे ये इनकी मर्जी है, प्लीज तुम चुप रहो। तू हम दोनों के बीच में मत पड़। बॉस तुम मेरे साथ आओ। संदीप तुम मेरी बात तो सुनो। कैसा है मेरा आइडिया? कितनी डर गई थी मैं, तुम कभी नहीं सुधरोगे। दरवाजा खोल। अरे दरवाजा खोल। अरे कहाँ गया? ए, इधर आ। तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। जानता हूँ तो अभी तो बुलाया। ठीक है, काम बोलो। एनी, किसी भी हालत में ये गुंडे लोग बाहर नहीं आने चाहिए, समझा? लेकिन मुझे क्या मिलेगा? 100 रुपया। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? हाथ उल्टा है। प्रॉमिस। तो डील समझू पक्की? एकदम पक्की। तुम जाओ, उन पर नजर रखना। अरे मैं देख लूंगा, जाओ। हमने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है चाचा जी, बिल्कुल। अच्छा देवर जी। हाँ। कैसे हैं आप? ठीक हो भाभी। कहाँ रह रहे हो और क्या कर रहे हैं? पास के गांव में रहता हूँ, घर से इसकी वजह से निकाला गया था मैं। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? जी सब कुछ ठीक है। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? शादी में किसने बुलाया तुझे? सुनिए जी, इन लोगों में से किसी ने नहीं बुलाया मुझे, लड़की की तरफ से आया हूँ। दोपहर तक रुक के शादी देख के खाना खा के चला जाऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम है? ये लड़की कौन है? पिताजी ये लड़की मुहूर्त निकला जा रहा है, कन्या को बुलाइए। खड़ी खड़ी सुन क्या रही हो, जाके देखो दुल्हन तैयार हुई या नहीं। हाँ जी अभी देखती हूँ। राम सिंह जी, हा? एक मिनट मेरे साथ चलेंगे क्या? लड़की के पिताजी आपसे बात करना चाहते हैं। इस वक्त क्या बात करोगे, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, आप उन्हें लड़की को मंडप में भेजने के लिए बोलो। जरूरी बात करनी है, एक मिनट के लिए चलिए ना प्लीज। हेलो हेलो, क्या बात है? वहाँ शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है और आप यहाँ पंचायत लगा के रखे? वो समझी जी, बात वो है कि देर क्यों हो रही है, दुल्हन को वहाँ बुला रहे हैं। बस साड़ी पहन रही है बहन जी, 5 मिनटों की वो आ जाएगी। मैं भी तो कब से यही सुन रही हूँ माँ। ए संदीप, कौन है रे ये? शर्म नहीं आती, शादी है तुम्हारी। बेटा तुम्हारी शादी हो रही है, दूसरी लड़की के बारे में सोचते नहीं, तुम पूजा करो। स्वाहा स्वाहा। समधी जी, दोपहर के 3 बजे का मुहूर्त अच्छा है, क्यों ना हम दोपहर के मुहूर्त में शादी करें। 11 बजे का मुहूर्त निकला तो शादी दोपहर को क्यों होगी? ये क्या बच्चों का खेल लगा रखा है? उधर मुहूर्त निकला जा रहा है ये सोच के घबराहट हो रही है, चलिए शादी का समय निकला जा रहा है। क्यों रे, उनका फोन लगा क्या? वही ट्राई कर रहा हूँ जीजा। और कितना वक्त लगेगा साड़ी पहनने में? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, दरवाजा खोलने के लिए बोलिए। आ जाएगी बहन जी,
और 5 मिनट का समय दीजिए। अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? बोलिए शादी का मोट नहीं हुआ। जीजा जीजा बोल। डायनासोर का खेल दिखाने का प्लान किया है। डायनासोर लाने आदमी भेज दिए हैं। डायनासोर कब के खत्म हो चुके हैं रे। सॉरी जीजा, परसों में जब जुरासिक पार्क देख रहा था तो उसमें तो जिंदा थे। हे भगवान। बहन जी बहन जी, मुझे 100 रुपए दे दीजिए। मुझे कोई 100 रुपए दे दो प्लीज। हेलो सर सर सर, 100 रुपए दे दो। अब अचानक मना क्यों कर रहे हो? आखिर प्रॉब्लम क्या है? आप समझते नहीं है जो यहाँ चिल्ला रहे हैं। दोपहर में शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? तुम भी ना जीजा, जब लड़की किसी के साथ भागी है तो पता क्यों नहीं देते? क्या बोला? लड़की किसी और के साथ भाग चुकी है? क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? हाँ वहां देखो। हाँ वो सामने। हमने तो इसी लड़की की शादी करवाई थी। अब क्या होगा? ओए संदीप, इधर आना। बोलो भैया। देख, इतने सालों से मेरी शादी नहीं हुई, उसका फ्रस्ट्रेशन था मुझे, तुझ पर भड़कता था, पर वो सब भूलकर तू कितनी लगन से काम कर रहा है यहाँ पर। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ताजमहल का मतलब प्यार है, चारमीनार का मतलब भी मोहब्बत है। आज से तू मुझे सबसे प्यारा है। जा, जाकर तू शादी का काम देख। जा। ठीक है भैया। संदीप जी, दोपहर के 3 बजे तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लड़की 2 बजे आ जाएगी, हम 2:10 पर शादी कर देंगे। तुम सोचते हो कि तुम्हारी भागी हुई बेटी से मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। संदीप जी, अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। शादी के लिए ना मत कीजिए। सुन बेटा, यहाँ पर लोग ना जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं, और यहाँ कहीं दुल्हन भी दिखाई नहीं दे रही है। माँ, मुझसे गलती हो गई। माँ, क्या हुआ? भैया जिससे शादी करने वाले थे, उस लड़की की शादी मैंने कहीं और करवा दी। माँ, क्या बोला? जानता है तू, ये बात अगर तेरे पिताजी को पता चल गई तो। हट जाओ। संधि जी। माँ, सीता। माँ, माँ, क्या हुआ? आंटी, आराम से उठाओ। आंटी, माँ, माँ, आंटी, जल्दी गाड़ी में बिठाओ, जल्दी कार लेकर आइए। संदीप जी, संदीप जी, शादी दोपहर को ही करते हैं। चुप करिए, ये सब आपकी वजह से हुआ। ऐसा नहीं है संदीप जी, वो आती ही होगी। अब जल्दी हॉस्पिटल चलो। कार खोलो, दरवाजा खोल। अरे खोल। मैं नहीं हूँ, वादा तोड़ता नहीं हूँ। 100 रुपए दोगे तो खोल। अरे 100 नहीं, 1000 दूंगा। दरवाजा खोल। 1000 नहीं, 100 चाहिए। ठीक है, 100 ही दूंगा। दरवाजा तो खोल। तो फिर ठीक। दादा, हटो हटो। दादा वो जा रहा है। मुझे दिखता नहीं क्या कि वो जा रहे हैं? अगर मुहूर्त से पहले लड़की को ले आते तो उसकी शादी हो जाती। कहाँ मर गए थे तुम लोग? वही तो बता रहा हूँ दादा, लड़की को लाते वक्त दूल्हे के भाई ने हमें कूटा और दीदी की शादी उसी लड़की से करवा दी। ये तो क्या कह रहा है? आंटी, सीता, आंटी, ए, बजरंगी कहाँ? पीछे की कार में होंगे पिताजी। सुनो, बजरंगी भैया कहाँ है? आगे की कार में बैठा होगा, तू टेंशन मत ले। अच्छा ठीक है, चल गाड़ी निकाल। एक्सक्यूज मी अंकल, साइड 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 साइड। व्हाट इज द प्रॉब्लम अंकल? कब से मंडप में बैठा दुल्हन को कोई लाता क्यों नहीं? मुझे लेट हो रहा है। अंकल, पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया। मर्यादा में रहने के लिए बोल दीजिए, आपकी बेटी से शादी करके आपका दामाद बनने वाला हूं। दामाद बनेगा जी? मैं तुझे बनाता हूं दामाद। इसे उठाकर गाड़ी में डाल दो, ले जाओ। आंटी, तेज चलाओ ना संदीप। तू टेंशन मत ले। तुम कौन हो बेटी? आंटी, सीता। माँ, सीता, आज मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे इतना बड़ा धोखा मिलेगा मैंने सोचा नहीं था। गाड़ी जल्दी चला।
गाड़ी क्यों रोक दी? रेड सिग्नल है पिताजी। यहाँ तेरी माँ सीरियस है और तू सिग्नल देख रहा, तोड़ दे सिग्नल। ए स्टॉप 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 स्टॉप। ए ए उसे कुछ नहीं हुआ है पिताजी। अरे तू उसके बारे में छोड़कर गाड़ी तेज चला और अपनी माँ को हॉस्पिटल जल्दी पहुँचा। ब्रदर एक बात पूछनी है तुमसे, स्पंज की तरह सॉफ्ट रहने वाला आदमी गुंडागर्दी पर क्यों उतर आया है? इसका रीजन क्या है? तेरे छोटे भाई ने हमारे दादा की बेटी की शादी किसी और से करवा दी, इसलिए ओरिजिनल करेक्टर में आया हूँ। जिससे मेरी शादी होगी उसकी शादी किसी और से करवा दी? जल्दी चल। अगर भगाले, आज मैं अपनी दारू की कसम खाके कहता हूँ, आज किसी ने किसी का सिर टपकना चाहिए, उस सिर से मैं फुटबॉल खेलूंगा। भगाले भगाले। आखिर ये कौन है यार, हमसे ज्यादा इसे मारने की पड़ी है? दुनिया के सारे बेवड़े लगता है मेरे नसीब में ही लिखे हैं, एक तो पहले से ही है। मुझे कुछ कहा दादा? ऐसी बातें तुझे जल्दी समझ में आ जाती है ना। अब गाड़ी चला। सीता, माँ। आंटी, माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। टेंशन मत लो सीता। माँ, आंटी, सब लोग मेरी बात सुन लो, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। ए, चल हट। फिर तू भी मेरी बात सुन ले, ये शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। अरे ओ, ये शादी नहीं होगी मैं भी जानता हूँ, तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है यही सोचकर मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे घर में जोड़ा था। आज समझ में आया तुम्हारा कितना महान परिवार है, अब तुम्हारा कोई भी नाटक चलने वाला नहीं है। मेरी बेटी कहाँ है बता दो। तुम क्या पागल हो गए हो? तुम्हारी बेटी जिसके साथ भागी है वही बताएगा तुझे। ये लोग इस तरह नहीं मानने वाले। ए, इसके बेटे को सामने लाओ। चल। जीजा जी, माँ को डॉक्टर के पास ले जाइए। ये क्या बात हुई, अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से तय करके अपने छोटे बेटे को मेरी बेटी की शादी किसी और से करवाने भेज देते हो? ये पूछने आया तो हम पर हमला करवा रहे हो? असल में तुम चाहते क्या हो? ये क्या बोल रहे हैं, सुन रहा है तू? हाँ पिताजी, भैया की शादी इससे होगी नहीं जानता था, इसलिए मैंने ये शादी करवा दी। और मुझे पता होता तभी मैं यही करता पिताजी, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं पिताजी, उनकी शादी करवाना गलत है तो मेरा इस घर से जाना ही ठीक है। गलती किससे नहीं होती है पिताजी? क्यों, अभी आपने नहीं की गलती? आपने रेड सिग्नल तोड़ने को कहा ना, उस चक्कर में वो बेचारा ट्रैफिक पुलिस वाला मरते मरते बचा है पिताजी। आपकी नजर में वो गलत नहीं था क्योंकि मां सीरियस थी, हर झगड़े के लिए डांटने वाले आप, आपकी आंखों के सामने इतने लोगों को मारा आपने एक शब्द नहीं बोला। वो आपकी नजरों में गलत नहीं था क्योंकि भैया को बचा रहा था मैं। मतलब किसी को कुछ भी हो जाए हमें अच्छा रहना चाहिए, ये स्वार्थ गलत नहीं है पिताजी?
आप मेरे प्राण हो पिताजी। हर बार आपको देखकर इंस्पायर हुआ हूं मैं। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है पिताजी। आप अपनों के बारे में सोचते हैं, मैं सबके बारे में सोचता हूं। आपके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता पिताजी। आपने घर में अनुशासन लागू किया है कि जो कोई सौ गलतियां करेगा उसे घर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन आपके डर से मुझे कभी डर नहीं लगा पिताजी। आप मेरी गलतियां गिनते गए, इस दुनिया में कोई भी जानकर गलती नहीं करता है पिताजी। मैंने कुछ गलत बोला हो तो सॉरी पिताजी, लेकिन अगर किसी की मदद करना गलत है तो इंसानियत कहां बचेगी पिताजी। सॉरी भाई, तुमने मेरे भाई को मारा तो मुझे गुस्सा आ गया, मुझे माफ कर देना। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा हो तो तुम मुझे मार सकते हो। 5 मिनट पहले उसे कुत्ते की तरह मार रहा था, अब उसे मारने के लिए कह रहा है। ए, इस फैमिली का स्क्रू ढीला लग रहा है। इस फैमिली में अपनी लड़की देने से तो अच्छा है कि मेरी बेटी जिसे बहुत प्यार करती है उससे ही शादी कर दूं। चलो दामाद जी, बेटी चलो। पिताजी उसे रोक लीजिए पिताजी। मेरी शादी होने के बाद अगर वो लड़की भाग जाती तो हमारे घर की इज्जत रहती क्या? पिताजी उसे रोक लीजिए पिताजी। सर, मैंने अपने बेटे को बिना डिसिप्लिन सिखाए खो दिया। आप अपने बेटे को डिसिप्लिन सिखाकर अपने से दूर कर रहे हैं। हम दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं अपने बेटे को तो खो चुका हूँ, आप अपने बेटे को क्यों खो रहे हैं? अंकल, मैं इतना नहीं जानती हूँ। आप अपने बेटे को मुझसे ज्यादा जानते हैं। रात को ट्रेन मिस हुई तब वो आपको खोने के डर से कितना परेशान हो रहा था, ये मैं जानती हूँ, आप नहीं जानते। संदीप को माफ कर दीजिए अंकल, प्लीज। बेटी, ये लोग बदलने वाले नहीं हैं, मैं जानता हूँ। भैया, परसों नॉर्वे में 2 बच्चों को डांटने पर माता पिता को 7 साल की सजा सुना दी वहां की सरकार ने। अगर वहां आप होते तो डेफिनेटली उम्र कैद की सजा मिलती। इंडिया में हो इसलिए बच गए। चलता हूं, तुम और तुम्हारे रूल्स। चल बेटा। रुक जाओ, मेरी आंखों से आंखें मिलाकर तुम्हारी बात करने की हिम्मत नहीं है। अब मुझे ज्ञान दे रहे हो? तुमने सोचा मैं बदल जाऊंगा? मैं नहीं बदलूंगा। जो गलतियां मैंने की है अब वही सारी गलतियां तुम लोग करने जा रहे हो, मैं अच्छी तरह जानता हूं। परिवार मेरा ठीक रहे इसलिए सबको मैं डिसिप्लिन में रखना चाहता था, ये मेरी गलती है। मैं नहीं बदलूंगा, नहीं बदलूंगा। लेकिन मैं अपने परिवार के अनुशासन में कुछ बदलाव कर रहा हूं। अब 100 गलतियों पर नहीं 1000 गलतियों पर सजा मिलेगी। सीता, कैसी हो तुम? डॉक्टर, सब ठीक है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब टेंशन की वजह से हुआ था, अब खुशी से मैं घर लेकर जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी, 100 की 1000 गलती कैसे? सब आपकी मर्जी चलेगी। एक क्वार्टर को फुल कर सकते हो, देखता हूँ। अबे चुप चुप चुप, साले मरवाने क्या? सुबह सुबह पीकर फिर आ गया? मुझसे पूछिए, मैं बताता हूँ। सर सर, मैं कुछ नहीं जानता, मैं एक छोटे बच्चे से भी ज्यादा नादान हूँ। सर प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, आपके घर। छी, बकवास जिंदगी, 3 महीने से पिया नहीं हूँ। सामान जल्दी उतार दे आके। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? अरे मैंने सोचा बड़े साहब के घर रहूंगा तो रोज खाने पीने को मिलेगा, मैं जो भी गलती करता हूँ उन्हें गलती नहीं लगती। मैं 1000 गलती से ज्यादा कर चुका, मैंने सोचा कि मेरी गलती से तंग आकर मुझे घर से निकाल देंगे और मैं कोने में बैठा दारू पी रहा हूँ। ऐसा मत बोले यार, अगर मछली की सब्जी खाएगा तो मुँह में तो कांटे आएंगे ना भाई। बस बंद कर, मुझे भाषण सुनाने की कोशिश मत कर, पहले मेरी जिंदगी में बहुत कांटे हैं। ठीक है भाई। अरे दारू नहीं पीता हूँ तो मेरा दिमाग फटने लगता है यार, दारू के बिना मेरी जिंदगी विधवा जैसी हो गई है। कहाँ जा रहा है? यहाँ जो संदीप जी रहते हैं ना, उनकी वजह से मुझे नौकरी मिली है। उसकी वजह से तुझे नौकरी मिली? हाँ भाई, उन्हीं के साथ एक रात। क्या रात में? वैसी बात नहीं है, उनके साथ रात में ट्रेन में जागते हुए सफर किया था, और सुबह जब इंटरव्यू देने गया तो मेरी लाल लाल आंखें देखकर उन्होंने सोचा मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, इसीलिए बिना कुछ पूछे मुझे नौकरी दे दी। ये कोई पागल लगता है। ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है? नमस्ते, चलो नाना जी क्रिकेट खेलते हैं। तेरे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, तेरे साथ मैं क्रिकेट खेलने गया तो इस घर की बाउंड्री से बाहर हो जाऊंगा। अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला, मेरे जैसा कोई और मिले तो उसे ढूंढ ले तू। जा बेटा, ठीक है नाना जा। जी।
सुनिए जी, जरा फिनाइल की बोतल देना। अरे बस भी करो, बहुत पहुंच लिया तुमने। तुम्हारी वजह से घर की सीढ़ियां घिस घिस कर 14 में से 13 हो गई हैं। अब बस भी करो। वाह 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 वाह, आपकी सगाई की ड्रेस जबरदस्त है। सगाई के बाद ये मुझे दे दीजिए साहब जी। ओए, पहले संदीप को मेरी होने वाली नई दुल्हन दिखा दे, वरना फिर वो उसकी शादी किसी और से करवा देगा। सुनिए, कल आपका छोटा बेटा सब्जी मंडी में किसी से झगड़ा कर रहा था। बाप रे, झगड़ा बहुत बड़ा था। ए, ये इतने कम क्यों है? आपने जितने पैसे दिए हैं उतने में केले का बगीचा तो नहीं मिलेगा ना? प्रार्थना, एक एक पैसे का हिसाब रखती हूँ। कितना दिया था मैंने? तुम यहाँ रोमांस कर रहे हो? अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो क्या होगा? रोमांस नहीं कर रहा है, मैं एक टेंशन की वजह से डर रहा हूँ। अब तक मिला के मेरी गलतियाँ 999 हो चुकी हैं। पिताजी को पता चला तो न जाने क्या होगा। ए, तुम हंस क्यों रही हो?